ओके गुड इवनिंग। तो ऐसे माँ आप लोगों के मार्क्स मिला लिए होंगे है ना। तो कल तो मेरी क्लास थी ना सीयूईटी की, जैम की, गेट की और नेट की थी। हालांकि बीच में वो भी यहाँ आंधी तूफान आ गया, बारिश आ गई, इस वजह से मैं ले नहीं पाया था। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी कल शाम को। तो अभी देखते हैं क्या है। सो ये पेपर है आपके पास तो होगा ही। सो मैं प्रॉपर एक एक सॉल्यूशन लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं जस्ट आंसर बता बता के निकल जाऊं, क्योंकि बाद में भी अगर कोई लोग देखता है यूट्यूब पे तो उसको समझ आएगा कि आंसर क्या है। तो हम लोग प्रॉपर मैं सॉल्यूशन बना देता हूँ, एटलीस्ट इससे सॉल्यूशन रहेगा और फ्यूचर में भी वो दोबारा है ना मुझे अपलोड नहीं करना पड़ेगा, तो पहले से बना रहेगा। इसी पे करें या अलग से? सो अच्छा इसमें तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा फिर। तो इसमें क्या होगा, ये जो बोल रहा है an 1 plus 1 by, मतलब summation 1 by k है, k from 1 to, ऐसे ही हुआ ना। तो कौन सा कॉची है ये पूछ रहा है। ओके चलो ये समय के क्वेश्चन उठा लेता हूँ। तो यहां अगर मैं सॉल्यूशन इसका लिखने की कोशिश करूं, कौन सा कॉची ही पूछ रहा है ना। तो सिंपल है, जो रियल सीक्वेंसेस है उसमें क्या था, कॉची इफ एंड ओनली कन्वर्जेंट है, इजी है। सो पेपर इस बार काफी इजी था, कल देख के मुझे लगा तो पेपर तो काफी इजी था ना। जैसे पहले लेवल 20 21 22 23 ऐसे इंक्रीज हुआ, फिर सीधा पेपर का लेवल गिर गया है ना। तो ये पेपर अराउंड उसी तरह का आने लगा जो 19 20 में आए हैं, जिस तरह के पेपर्स वैसे ही पेपर हो गए। तो यहां पर सिंपल है ये ना, अगर तुम लिमिट निकालते हो n टेंस टू इनफिनिटी a n, तो ये हो जाएगी समेशन 1 by n n फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी, यही बन जाएगी अगर मैं a n की लिमिट लिखता हूं तो। और जिसका सम होता है t टेस्ट से, ये डाइवर्जेंट है तो कन्वर्जेंट नहीं है तो कॉची भी नहीं होगी। अगर आप लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी b n फाइंड करते हो तो क्या आ जाएगी, सो ये n स्क्वायर अपॉन 2n है, तो 2 की पावर n एक्सपोनेंशियल टर्म है, n स्क्वायर पॉलीनोमियल है। So, क्या होगा, रेशियो लेंगे तो इसकी लिमिट जीरो आ जाएगी। सो एन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब एन इज नॉट कन्वर्जेंट, तो एन इज नॉट कॉची है ना, एंड बी एन इज कन्वर्जेंट, तो बी एन इज कॉची, तो इजी है देखो। सो एन इज नॉट कॉची कन्वर्ट है ना, यहां से पता चला एन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब कॉची नहीं है, और बी एन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब बी एन क्या है, कॉची है, सिंपल। तो कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ कॉची रियल सीक्वेंस में। तो यहां से क्या पता चलेगा, अच्छा इसको मुझे उसमें खोलना चाहिए ना, तो कैसे खोलूंगा ताकि टिक कर सकूं। सो तो पिछले बार जो फर्स्ट रैंक अराउंड था 59 मार्क्स पे था, इस बार रैंक काफी आगे जाएगा क्योंकि पेपर इजी है, तो अराउंड 80s में जा सकता है रैंक है ना, 80 के आसपास होगा। क्योंकि अभी पेपर देखा मतलब पेपर काफी इजी था, मतलब 2023 में जो लेवल था वो लेवल तो है नहीं, तो बच्चे सब उस लेवल पे प्रिपरेशन किए थे, तो इसीलिए इसका क्या है भाई खुलेगा, ये ऐसे करो। खोलना पड़ेगा मुझे।
चलो ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। देखो तो पहला तो ठीक है ना, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो ये कन्वर्जेंट है इसलिए कॉची है, ये कन्वर्जेंट सॉरी ये कन्वर्जेंट नहीं है एन, इसलिए एन कॉची नहीं है, तो एन इज नॉट कॉची एंड बी एन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही, तो बी एन इज अ कॉची, सिंपल है ये। ये भी तो आसान है, मतलब ये सब तो वन मार्क्स वाले, तो हालांकि कम टाइम लगेगा जो भी है। सो इसमें अगर तुम देखो कि क्या कह रहा है ये, कि इसके पास जो जीरो जीरो है वो क्या है, ऐसा बोलना चाह रहा है, एफ हैज, अब देख लो तुम लोगों ने सॉल्यूशन किए होंगे वहां से मैच कर सकते हो। सो एफ हैज अ लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, सैडल पॉइंट, इट हैज नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, नो पॉइंट ऑफ नो सैडल पॉइंट, ओके। तो यहां से आप एफ एक्स निकालोगे, एफ एक्स कितना आ जाएगा, 8x4, अच्छा सॉरी 8x³ ना, 8x³। एफ वाई निकालोगे तो -6y इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो यहाँ x0 y0, ठीक है ना। अब बाकी वही RST निकालोगे, जैसे एफ एक्स एक्स, तो 0 0 पे जीरो ही आएगा, है ना। एफ एक्स एक्स निकालो कितना हो गया 24x2, इस तरह से एफ एक्स वाई जीरो ही हो जाएगा। एफ वाई वाई निकालोगे -6, सो RST, तो RT माइनस SS² आपका क्या आ जाएगा, सो RT माइनस SS² आपका ये 0 0 अगर फाइंड करूं मैं, सो मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 0 है, तो 0 0 अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही आ गई। सो RT माइनस SS² आपका 0 है, सो RT माइनस स्क्वायर 0 होने का क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि टेस्ट फेल हो गया, है ना। तो इसका मतलब है कि टेस्ट फेल्स, सो वो जो टेस्ट है वो कुछ नहीं बताएगा कि ये 0 0 जो है मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है या सैडल पॉइंट है, कुछ नहीं बताएगा। तो फिर कैसे टेस्ट करेंगे, डेफिनेशन के हेल्प से। तो हम लोग जो करते थे क्लास में, सो क्या करते हैं यहाँ पे, कि सिंपली आप एक मान लो एप्सिलॉन कोई नंबर है जो पॉजिटिव है, मतलब बहुत स्मॉल नंबर है 0 के नेबरहुड में, सो यहाँ से सिंपली अगर आप F0 epsilon निकाल लो तो ये आ जाएगा -3 epsilon² जो कि F00 से ज्यादा, सॉरी जो कि F00 से कम है ना। और F of epsilon, 0 निकाल लोगे तो यहां से आ जाएगा 2 epsilon की पावर 4, और ये आ जाएगा जो कि मोर देन है F00, इस तरीके से। सो ये हमारे पास है, तो फिर कट ऑफ भी आगे जाएगा, हाँ क्योंकि पेपर इजी हो गया ना, ये पेपर देख के लगा ही तो 2019-2020 में जैसे पेपर आते थे उस टाइप का पेपर हो गया, जैसे 21-22-23 में थोड़े से लेवल इंक्रीज हुए थे और ये घट के वापस आ गया ना, वही 20-21 वाला पेपर आ गया। तो उस समय क्या होता था, 2022 में जो फर्स्ट रैंक था वो 69 पे था, हाँ उससे पहले रैंक उस तरह जाते थे। तो अब तो बच्चे भी बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे कोचिंग्स भी आजकल हो गया, तो जो है ना, तो उससे क्या है कि बच्चों के पास बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के लिए मटेरियल है, तो उससे क्या है कि बच्चा उस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ज्यादातर लोग, है ना। तो क्योंकि ज्यादातर लोग जो बच्चा मिला है जनरली 40+ तो बहुत हो गए हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे 40+ वाले हैं, ये हैं। अभी कुछ बच्चे 60s में भी मैसेज किए थे, है ना, सो 60+ भी हैं, पढ़ना है आई थिंक, पढ़ना था क्या ना, हाँ प्रत्याय आई थिंक, हाँ। सो इस तरह से इन लोगों और बच्चे हैं जो देखते हैं भी क्या होता है, तो जो भी होगा अब तो आगे उसके साथ ही बढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हमारे पास इस तरह से है, तो ये क्या पता चल गया कि F0 less than F00 है, तो इसका मतलब जो 0 0 है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा तो नहीं होगा, क्योंकि देर इज अ पॉइंट जिसकी वैल्यू उसपे उससे भी कम वैल्यू आ रही है। यहाँ F0 more than F00 है, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा भी है। तो 0 0 इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, 0 0 एक क्रिटिकल पॉइंट था जिसपे ना तो मैक्सिमा मिल रहा है ना ही मिनिमा मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सैडल पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे, और वैसे भी तुम चेक कर सकते थे अपने तरीके से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड, सो थर्ड वाले में क्या है पूछा, अल्फा बीटा गामा क्या होगा, तो देख लो। सो ये वैल्यू क्या आएगी, ये दिस वाज इजी क्वेश्चन, चलो इधर कर देता हूं क्वेश्चन। देखो सो यहां आपको ए दे रखा है, ए मैट्रिक्स जो है A0 C D,
तो यहां से अगर डिटरमिनेंट ए निकालोगे तो ए डी है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है वन है। तो डिटरमिनेंट ए डी वन के, डिटरमिनेंट इसका मतलब है कि ए इनवर्स होगा वो एडजॉइंट ए के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसका क्या मतलब है कि जो ए इनवर्स होता है वन अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, तो यहां से ए इनवर्स एडजॉइंट ए के इक्वल आ गया। तो यहां से क्या हुआ, जब ए इनवर्स एडजॉइंट ए के इक्वल है तो पूछा क्या है, ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ए का इनवर्स। अच्छा, तो अगर एडजॉइंट ए का इनवर्स करोगे तो ए के इक्वल आ जाएगा। सो एडजॉइंट ए का अगर आप इनवर्स करोगे तो ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड करना है, ए इनवर्स एडजॉइंट ए के इनवर्स को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर लो। सो ए प्लस एडजॉइंट ए हो गया मतलब, है ना। सो ये इक्वल आ गया ए प्लस एडजॉइंट ए के, और इसको ऐड कर लो। एडजॉइंट क्या होता है, डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, ठीक ना। सो जो एडजॉइंट ए है वो है डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, ये एडजॉइंट होता है फॉर्मूला, डायगोनल चेंज नॉन डायगोनल का साइन चेंज। अब ऐड कर लो, तो ए और एडजॉइंट ए इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा। सो जो ऐड करोगे तो यहां से सिंपली आ गया आपके पास, यहीं पे लिख देता हूं मैं। तो ये सब तो इजी क्वेश्चन है ना, ये लग रहा हो आपको तो काफी इजी है। सो सिंपली ऐड कर लो वहां से ए और एडजॉइंट ए को, तो यहां हो गया ए प्लस डी जीरो जीरो ए प्लस डी, यही है। अब ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, देख लो ए प्लस डी ए प्लस डी। सो जीरो ये वाला ना, ठीक है। सो पहला वाला ही आ गया। जो फोर्थ है क्या बोल रहा है ये फोर्थ वाला, बैग हैज 5 ब्लू बॉल्स एंड 15 रेड बॉल्स, ठीक है। सो ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है कि, अच्छा सान कह रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया क्या है। मतलब देखो कट ऑफ मतलब एक तो कट ऑफ होता है एडमिशन के लिए, एक कट ऑफ है क्वालिफाई के लिए, जो आपके एडमिट जो मार्कशीट आएगा, जो रिस्पॉन्स अभी मार्कशीट जो आपका आएगा उस पे कट ऑफ मार्क्स लिखा रहेगा। कट ऑफ मार्क्स जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब आप एग्जाम क्वालिफाइड माने जाओगे, बट इसकी मतलब ये नहीं है गारंटी एडमिशन मिलेगा ही, क्योंकि एडमिशन मेरिट पे होते हैं। सो आई थिंक आप पूछना चाह रहे हैं कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा। सो देखो अभी बहुत मार्केट में वैसा है, अभी बच्चों के जो मार्क्स ज्यादातर जो हो रहे हैं वो कुछ बच्चों के 60s में भी हैं, बाकी 40s में तो बहुत हैं, 50s में भी बहुत हैं, है ना। 40s 50s में बहुत बच्चे हैं, 60s में अभी कुछ बच्चों ने बताए हैं तो वैसा है, एक दो 70s में भी हैं। सो इस तरह से है, अब देखते हैं क्या होता है। तो कट ऑफ मुझे लगता है जैसे 50 प्लस वाले सेफ स्कोर में है, जिनके भी 50 प्लस है। सो मेरे हिसाब से ओबीसी वाले तो पक्का सिक्योर है, 50 प्लस का मतलब रैंक अगर बहुत खराब आएगा तो 50 के आसपास रैंक 70-80 के नीचे ही होगा। शुरू में लग रहा पेपर डिफिकल्ट होगा, चूंकि पेपर आसान है तो अभी पता चल जाएगा, कुछ दिन की बात है, ऑफिशियल आंसर किया है कि आप मैच करोगे, मार्केट से कंपेयर करोगे। एक्चुअली बात क्या, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बच्चा भी नहीं है, इसमें बस 3,000 बच्चा एग्जाम देता है, तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ 50,000-20,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं कि तो बहुत ज्यादा होगा। उन्हीं 3,000 बच्चों में 3,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, उन्हीं 3,000 में 1,000 बच्चे जो सीरियस हैं, आप जैसे जो तैयारी कर रहे थे, 1,000 बच्चे ही अराउंड है, 1,000-1,500 मैक्सिमम बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बाकी बस एग्जाम दे रहे हैं ये। तो इन्हीं 1,000 बच्चों में कॉम्पिटिशन है, तो देखो अब क्या होता है, तो बहुत ज्यादा है नहीं, बट मेरे हिसाब से 50 प्लस इज बिल्कुल सेफ स्कोर है सबके लिए, जिनके 50 प्लस है। ओबीसी वाले 40 प्लस भी है तब भी ठीक है मुझे लगता है। हाँ जनरल वही कह रहा हूँ, जनरल में अगर आपके 50 प्लस है तो आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है बॉम्बे कानपुर या त्रिची या आईआईटी तिरुपति हो गया, इन सब में से एडमिशन मिल सकता है मुझे लगता है 50 प्लस वालों को कहीं ना कहीं, क्योंकि टॉप 100 तक तो मिलता ही है ना, टॉप 100 रैंक तक तो जनरल कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, ये है बॉम्बे कानपुर या त्रिची या वो, तो टॉप 100 तक तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। बट थोड़े से पेशेंस रखो और थोड़े से होपफुल रहो, मेहनत की है उसका फल मिलेगा, ये चीजें हैं, नहीं तो फ्यूचर में हेल्प होगा, इसलिए होपफुल नहीं। देखो हमारा काम था मेहनत करना, अब रिजल्ट जो भी हो वो तो आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव है ना, कि बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हम।
और कंपटीशन में ये भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत किए, हो सकता है आपसे ज्यादा लोगों मेहनत किया हो, ऐसा भी है, या आपने दूसरों ज्यादा किया हो मेहनत, तो ये सब रिलेटिव है कॉम्पिटिशन में, क्योंकि यहाँ पे ना रिलेटिव है सब। 1 से 5 तक का आंसर क्या है? लेट ज्वाइन किए। अच्छा अभी देखो, अभी मिल जाएगा, बाद में देख लेना, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने अभी तो 4 से सॉल्व कर रहा हूँ। सो पहले का आंसर जो मेरा आया है, पहले का आंसर में इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कोची नहीं है, ए एन इज नॉट कोची, बी एन इज कोची, ये हो गया। दूसरे में इसका सॉल्व किया, 0-0 क्रिटिकल पॉइंट आया, वो सैडल पॉइंट आया है। तीसरे में अभी सॉल्व कर रहे थे, इसका सम ए ऑप्शन आया है थर्ड का। फोर्थ कर रहे हैं, फोर्थ आसान है, तो फोर्थ थर्ड का ए है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ वन देखो, फोर्थ क्या कह रहा था, फोर्थ हम लोग यहां थे ना, देखो फोर्थ इज इजी वन, मतलब जो हम लोग बेसिक 11-12 में पढ़ते हैं ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, तो ये अब जिनको थोड़ा बहुत कमांड है वो इजीली कर लेगा, क्योंकि छोड़ने की जरूरत है नहीं। देखो कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 5 ब्लू है और 15 रेड है, बोल रहा है 3 बॉल आपने ड्रॉ किए रैंडम साइमल्टेनियसली, देन प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द चोजन बॉल इज ब्लू, कोई भी ब्लू नहीं है, इसका मतलब क्या है, नो ब्लू, इसका मतलब ऑल आर रेड, यही मतलब हुआ ना, नोनो बॉल ऑल आर रेड। अब कितने ड्रॉ किए, 3, तो रेड कितने हैं, 15, सो 15C3 अपॉन 20C3, 15 में 3 चूज कर लो अपॉन 20C3, इसको सॉल्व कर लो क्या होता है, सो 15 × 14 × 13 और यहां आ जाएगा 20 × 19 × 18, ठीक है, इसको सिंपलीफाई करो, सो 5 × 20, 5 × 15, 3 × 18, कुछ कटेगा, यहां से 7 और यहां से 3, तो हो गया 91/228, देख लो बाकी लोग, ठीक है, 228 चेक करो, 19 × 4 × 3, 19 × 12, 91/228 P कोई नंबर है 0 से 1 के बीच का, JP डिनोट कर रहा है pth क्वांटाइल ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल y, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा। सो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं इजीली। सो चलो इसको यहां ट्राई करते हैं, देखो तो देखो मुझे बताओ कोई एक ऐसा रैंडम वेरिएबल बताओ जिसका सपोर्ट पॉजिटिव हो और मीन 1 आता हो, जिसका सपोर्ट पॉजिटिव हो और मीन 1 आता हो, कोई भी ऐसा रैंडम वेरिएबल बताओ मुझे। एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं, या हाँ एक्सपोनेंशियल भी चलेगा, तो एक्सपोनेंशियल में थोड़े से कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, उससे भी आंसर वही आएगा, यूनिफॉर्म 0 to 1 करेगा, चेक करो यू वर्क कर रहा ना, पॉजिटिव है सपोर्ट, ठीक है, और मीन 1 है, इसका मीन कितना है यूनिफॉर्म 0 to 2 का, a+b/2, ये भी वर्क करेगा, एक्सपोनेंशियल 1 भी चलेगा, एक्सपोनेंशियल 1 लेके करो तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि हमें बस मैं क्या कह रहा हूं कोई भी ऐसा ले लोगे ना उसके लिए सेम वर्क करेगी, तो ये भी एक सुटेबल एग्जांपल है, यू कैन टेक एक्सपोनेंशियल 1, दिस इज आल्सो सुटेबल एग्जांपल, किसी एक के थ्रू आगे प्रोसीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और JP क्या है, pth क्वांटाइल है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि CDF जो y का होगा JP पे वो p के इक्वल है, यही डेफिनेशन है कंटीन्यूअस के लिए कि CDF y का एट JP विल बी p, तो आपसे क्या बोलना चाह रहा है ये, देन कौन सा सही है, जैसे अब ये चारों ऑप्शन है, 2 में बात कर रहा है JI 0.75, तो मतलब CDF ऑफ y अगर JI में 0.75 लिखता हूं तो ये आ जाएगा 0.75, ठीक। अब इसका CDF निकालो, ये अगर मैं यूनिफॉर्म 0-1 लेके चलूं या कोई भी इससे करना, इससे भी कर सकते हो, तब भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा बाकी, तो मैं इससे करके देखता हूं,
सो वाई अगर मेरा यूनिफॉर्म 02 है, वाई अगर यूनिफॉर्म 02 है तो सीडीएफ ऑफ वाई क्या होगा? सो वाई का जो सीडीएफ है एक्चुअली दैट विल बी y माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, मतलब y अपॉन 2, यही बनेगा ना इसका सीडीएफ इसके हिसाब से। तो ये हो जाएगा जाई, तो ये जाई था जाई 0.75 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.75। तो यहां से जाई 0.75 जो आ गया वो कितना आ गया, 1.5 आ गया। अब देखो किस ऑप्शन ये क्या कर रहा है, किस किस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देगा ये देख लो। तो हमने जाई 0.75 निकाले, 1.5 आ गया, तो ये कह रहा है मोर देन 5 होगा, गलत कह रहा है, लेस देन 4 होगा, सही हो सकता है क्योंकि एग्जांपल दिया है हमने, तो मैं बोल रहा हूँ कि सही हो सकता है, बाकी ये देखना है ये भी देख लो। तो अगर तुम CDF at जाई 0.25 निकालते तो कितना आता, 0.25, तो इसको CDF of y, और इसी y के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो ये जाई 0.25 एक नंबर है अपॉन 2 बराबर 0.25, सो जाई 0.25 इज 0.5, चेक कर लो, तो ये 0.5 आ गया। सो 0.5 है तो जाई ये कह रहा 2 है नहीं, कह रहा 4 से ज्यादा है नहीं, ये सारे आउट हो गए, तो बचे क्या, ओनली बी, सो बी इज करेक्ट। सेम चीज तुम इससे साथ भी कर सकते हो, यहां थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, वो ई आ जाएगा तो ई की वजह से कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा, इससे आसान हो गया, तो ये ट्रिक हो गया तरीका। ठीक है चलो आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ के बाद अगला आते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, अरे फिफ्थ हो गया, फिफ्थ के बाद सिक्स क्वेश्चन। सिक्स तो ऐसे जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का है, सो आपसे कह रहा है कि तो इसमें क्या होगा, देखो सिक्स कह रहा है कि x भी एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैविंग, तो x की वैल्यू -2 से 3 में है, तो हम लोग ये जानते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कि लोकेशन या स्केल चेंज करने से डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही रहता है, बस यूनिफॉर्म कहां पे, उस इंटरवल पे। तो इंटरवल देख लो, जैसे x -2 से 3 में है, यहां बोला 2x+5, सो तुम ये देख लो 2x+5 कहां से कहां तक होगी, तो 2 2 = -4 + 5 1, और 3 2 = 6 + 5 11, तो ये 1 से 11 हो रहा है, चेक करो, तो इसलिए आउट हो गया। अब 7 - 6x, सो -6x की अगर बात करोगे तुम तो ये आ जाएगी -18 से 12। अब 7 - 6x करोगे तो 7 ऐड कर लो, तो 7 - 18 कितना हो जाएगा, -11, और 7 + 12 19, तो समय ये इंटरवल आ गया, तो लोकेशन और स्केल चेंज करने पे यूनिफॉर्म ही रहता है, तो इस पे यूनिफॉर्म होगा, सो ये ओके है। अब चूंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो बाकी चेक करने की जरूरत है भी नहीं, तो ये गलत ही होगा क्योंकि मुझे पता है कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट होना है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट यही होगा, बाकी तुम चेक कर सकते हो गलत ही होगा। अलाउ ये स्क्वायर होने की वजह से यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, मॉड मॉड यहाँ पे ऐसा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ये भी गलत है, तो ऐसे ही दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कर सकते, सो इस तरह से है। ठीक है अच्छा 30 के अराउंड, मतलब ये YouTube लाइव पे भी चल रहा है, जिन्होंने गूगल मीट पे बता दूं, तो लाइव में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा 30 के करीब मार्क्स बन रहा है, ओबीसी हूं। अच्छा सो 30 के करीब मार्क्स बन रहा है, ओबीसी हो, 30 पे मार्क्स अराउंड 200 जाएगा, जिसके 30 मार्क्स है रैंक आपके 200 के आसपास होंगे, है ना, पिछले बार 30 मार्क्स पे 90 रैंक था, मतलब 2023 के एग्जाम में जिसके 30 नंबर थे उसके 90 रैंक थे, क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, तो पेपर आसान है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 मार्क्स के अराउंड रैंक जो होगा 150 से 200 में जाएगा, ये है जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना मैं 100% करेक्ट ही हूँ, वो तो रेस्पॉन्स सीट और आंसर की और रैंक आने के बाद पता चलेगा, बट मेरे हिसाब से रैंक 150 से 200 तक जाएगा 30 मार्क्स पे, तो ओबीसी को फिर भी होप है, अगर ओबीसी, क्योंकि आईआईटी कान बॉम्बे में लास्ट ईयर 109 पे क्लोज हो गया था, 109 रैंक पे, ओआर बॉम्बे वाला क्लोज हुआ था 126 के अराउंड, और आईआईटी कानपुर जो क्लोज हुआ था 172 पे, है ना, फिर त्रिची पे चले जाओ या तिरुपति आ जाओ, तो इन सब में चांसेस हैं, 200 रैंक ओबीसी में चांसेस हैं, ठीक है ना, सो 30 मार्क्स प्लस अगर कैंडिडेट ओबीसी का है तो फिर भी चांसेस हैं कहीं ना कहीं।
ओके तो आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो हो गया, बस देखो रैंक कोई भी है, बस उम्मीद ये है कि एडमिशन मिल जाए ना, बच्चे ही चाहते हैं सर एडमिशन मिल जाए, रैंक कोई बात नहीं। तो ये कहना होपफुल रहो, अगर मार्क्स अगर 40-50 में है तो ठीक है, एडमिशन मिल जाना चाहिए। थोड़े दिक्कत जनरल वालों को है, क्योंकि उनको बॉम्बे कानपुर के लिए टॉप 30-40 में आना पड़ेगा तब होगा, बाकी उसके लिए 80 तक 90 तक या 100 तक होप रख सकते हो रैंक तक, ये है। चलो इसको देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। सो सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन 1 है, तो x इज पॉइसन 1 और g एक फंक्शन जिसका वैल्यू 1 या 0 है, तो g की वैल्यू 1 है अगर 0 या 2 है, इसका ये मतलब हुआ कि g 0 इज 1 g 2 इज 1 बाकी g x इज 0 फॉर ऑल x अदर देन, है ना, फॉर ऑल x अदर देन 0 2, अगर 0 2 नहीं है तो 0 है इसका। अब बोला है e of gx, तो by definition e of gx क्या होगा, summation gx into probability of x, यही फॉर्मूला है, और सपोर्ट इसका 0 से इंफिनिटी, ये तो फॉर्मूला हो गया एक्सपेक्टेशन का कि gx into probability at x। अब देखो gx 0 है 0 2 को छोड़ के, तो बस जो ये नॉन जीरो फंक्शन जी कब रहेगा, जब x की वैल्यू या तो 0 है या 2 है, तो मतलब ये यहां खोलोगे सो g0 प्रोबेबिलिटी एट 0, g2 प्रोबेबिलिटी एट 2, बाकी सारे पॉइंट पे 0 हो गया वैल्यू, बाकी जितने पॉइंट है सब पे वैल्यू 0 हो गया, सो क्या होगा, तो यहां से पुट कर लो g0 यहां से प्रोबेबिलिटी एट 0, g0 तो 1 है और g2 भी 1 है, दोनों 1 है, तो 1 रख लो, x बराबर 0 और x बराबर 2, तो x बराबर 0 e की पावर माइनस 1, 1 की पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 1, 1 की पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल, तो यहां से आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस 1 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, सो ये 3 बाई 2 e की पावर माइनस 1, ठीक है, सो 3 बाई 2 e की पावर माइनस 1 आपका आंसर रहेगा। So 3 by 2 e की पावर माइनस 1 इसका आंसर होगा, ये डी वाला, ठीक है ना। ओके एट्थ कह रहा है कि n कोई नेचुरल नंबर है, Zn बी द स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 1 n टाइम Zn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू Z फॉर सम रैंडम वेरिएबल देन दिस, तो ये सब क्लास में अलग किया हुआ क्वेश्चन है, तो जी सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में x इक्वल्स 1 पे नहीं चेक करेंगे क्या उसको, मतलब अगर वो एक सेट नहीं रखा तो x नहीं नहीं 1 पे 0 है ना, देखिए इसने कहा x 0 या 2 है तो g1 की वैल्यू 1 है और gx की वैल्यू 1 है, gx 0 है बाकी x 0 2 को छोड़ के कुछ भी है, तो मतलब जैसे g1 की वैल्यू कितनी होगी, यहां से आप सोचिए, आप मुझे बताइए व्हाट इज वैल्यू ऑफ g1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ g3, g0 इज 1 नहीं नहीं इंटरवल नहीं, वो आप देखो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है आपको समझना पड़ेगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस ब्रैकेट, हाँ यहाँ प्रॉब्लम हुआ आपको, स्मॉल ब्रैकेट ये होता है पैरेंथेसिस, ये क्लोज ब्रैकेट, इंटरवल्स है ये दोनों, यहां तो कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब हुआ कि सेट है और सेट में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, ये तो सेट है ना, सो कर्ली ब्रैकेट मीन सेट कंटेनिंग ओनली 2 पॉइंट 0 और 2, और यहाँ ये इंटरवल थोड़ी है, ये तो जस्ट सेट है, सेट का मतलब इट इज अ पॉइंट जो उसमें कंटेन है, 0 एंड 2 आर ओनली 2 पॉइंट, ये फाइनाइट सेट है और इंटरवल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, इसीलिए हम 1 काउंट नहीं करेंगे, हमने सिर्फ 0 2 काउंट किया ना, 0 और 2 काउंट किया, 2 और 0 वाला, बाकी सारे वैल्यू 0 हो जाए, एग्जैक्टली 0 हो जाएगा क्योंकि g फंक्शन ही 0 हो गया, ठीक है ना, तो ये है आपका। जी जी और YouTube पे लोग पूछ के रहे हैं 17 मार्क्स पे क्या चांस है 17 मार्क्स पे जनरल का कोई चांस नहीं है, 17 मार्क्स पे जो YouTube चैनल मतलब YouTube लाइव चल रहा है तो उसमें पूछ रहे हैं, 17 मार्क्स पे एक्चुअली एससी एसटी कैंडिडेट वालों को फिर भी होप है, ठीक है ना, जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो वहां पे आपके होप है, क्योंकि वहां पे
700 रैंक तक एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर। तो देखो एडमिशन जिस रैंक तक लास्ट ईयर हुआ उसी अप्रॉक्स वही इस बार भी रहेगा, जो रैंक है क्लोजिंग रैंक वो वही रहेगा, क्योंकि मार्क्स ऊपर नीचे हो रहा है पेपर के लेवल की वजह से, एडमिशन उसी रैंक पे होगा तो सीटें उतनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है वहां पे, ठीक है। तो एडमिशन तो रैंक पे होता है मेनली, तो चूंकि मार्क्स यहाँ हाई चला गया एग्जाम इजी होने की वजह से तो रैंकिंग तो पैरेलल ही रहेगा। तो जैसे पहले अगर जहाँ पे 50 सीटें हैं तो उसी रैंक तक एडमिशन होगा, ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो 8th क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ZN को स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ZN इज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑन अ सैंपल साइज n फ्रॉम यूनिफॉर्म 01। तो ये बीटा फर्स्ट काइंड 1, n हो गया, ठीक है ना। सो बीटा फर्स्ट काइंड 1, n। अब बोल रहा है कि n टाइम ZN कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी, या समझो CDF लिख सकते हो आप। सो इसका ये मतलब है n टाइम ZN लेस देन इक्वल टू t विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू t, मतलब ये CDF लिखा हूं, CDF ऑफ दिस इज इक्वल टू CDF ऑफ दिस व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी। ये डेफिनेशन है इसका, कि इसका CDF इसके CDF के इक्वल होगा जब n टेंस टू इंफिनिटी होगी, ठीक है। तो सो क्या आएगा, अब देखो पूछा क्या आपसे, क्या प्रोबेबिलिटी है ZN लेस देन इक्वल टू log 3 होगी, जो मैं t लिखा हूं वहां log 3 रख दो, है ना। सो इसका मतलब मुझसे पूछा है कि z लेस देन इक्वल टू log 3, सो प्रोबेबिलिटी यहां आ जाएगा लिमिट n टेंस टू, इसी को यूज कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही इंजन था ZN फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू log 3। अब ये लिमिट बाद में निकालेंगे, सो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू ln 3 बाय n। अब बताओ ये जो बीटा है फर्स्ट काइंड 1n, इसका पीडीएफ क्या है, इसका जो पीडीएफ होगा ZN का, मान लो मैं t के टर्म में लिख दूं, सो ये बनेगा मतलब बीटा 1 अपॉन बीटा 1n x की पावर 0 हो जाएगी 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, सो n टाइम 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 बनेगा, ये पीडीएफ है n टाइम 1 माइनस x की पावर n। तो करो इसको इंटीग्रेट, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, या CDF निकाल लो इसका, तो ये तो पीडीएफ है, इस पीडीएफ से CDF क्या होगा, CDF ऑफ ZN एट t, तो इसको इंटीग्रेट, इसका सपोर्ट क्या होता है 0 टू 1, तो 0 टू x में इंटीग्रेट कर लो, तो 0 टू x में जब इंटीग्रेट करोगे तो 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 है, इंटीग्रेट करो, पावर n अपॉन n, n कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक n तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, एक बार चेक कर लो आप लोग, मतलब t लिख देता हूं, सो ये CDF आ जाएगी, CDF ऑफ ZN, मतलब ये हो गया कहने का मतलब probability ZN less than equal to t निकाला मैंने, तो वो इसके इक्वल आएगा, ये ZN है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस t की पावर n माइनस 1 सिंपली। सो पुट कर लो यहां पे 1 माइनस ln 3 by n इस पूरे की पावर n माइनस 1, n होगा सॉरी, यहां n होगा नॉट n माइनस 1, तो अगर चेक कर लो सब लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना इसको, ये पीडीएफ है आपका n टाइम 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है, तो पावर n अपॉन n, n n कैंसिल, पावर n होगा, हां सो यहां पावर n ये बन जाएगा, लगाओ भाई लिमिट इस पे, सो लिमिट लगाओगे तो 1 माइनस, और ये फार्मूला पता ही होगा आप लोगों को, 1 माइनस ए बाई द ई की पावर माइनस ln 3 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस ln 3, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, तो यहां से बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3 कितना आ गया 2 बाई 3, ठीक है। सो ये आंसर आ गया 2 बाई 3, चेक कर लो, किसी को डाउट है तो बताओ, यहां डेफिनेशंस यूज किए पीडीएफ CDF, ये थ्योरम है फर्स्ट का, और यहां से हमने सॉल्व किया, तो 2 बाई 3 इज द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 2 बाई 3 आ गया। 9th, ये कह रहा है कि x1 x2 x20 बी द रैंडम सैंपल ऑफ फ्रॉम नॉर्मल
5, 2 डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेट वाई आई जो है x2y - x2y - 1 है, w आपके पास ये है, सो अच्छा पूछ क्या रहा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चलो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, पहले हम यहां से देखें, देखो भाई सो मेरे पास जो एक्स आईज हैं वो नॉर्मल 5, 2 है, वाई आई जो है x2i - x2i - 1 है, सो ये हो जाएगा नॉर्मल, इसका मेन तो 0 हो जाएगा और वेरिएंस निकालोगे दिस वेरिएंस प्लस दिस वेरिएंस तो 4 हो जाएगा, ठीक, सो वाई आई अपॉन 2 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0, 1, तो yi upon 2 का होल स्क्वायर विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1, और यहां देखो 4 को इधर ले जाओगे तो क्या होगा, अगर 4 को तुम इधर ले जाओगे तो yi / v2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो यहां से क्या होगा देखो, सो यहां से आएगा आपके पास, सो yi / 2 स्क्वायर काई स्क्वायर 1, समेशन ले लो yi स्क्वायर / 4 i फ्रॉम 1 टू 10, सो इसको हम 10 बार ऐड कर रहे हैं, 10 बार ऐड कर रहे हैं ना, बताओ कितना होगा, है ना, so we are just adding 10 times, तो chi square 10 आ जाएगा, so हो गया, हाँ, so ये chi square 10 आ गया answer, देखते हैं क्या answer है, so chi square 10, ठीक है, इसका answer chi square 10 हो जाएगा, चलिए 10th पे आते हैं, 10th कह रहा है कि, इससे पहले देख रहे हैं कुछ comment कर रहे हैं, ओके देखिए, सो 10th क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है यहाँ पे, कि यहाँ x1, x2, x3, x4 जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू है रैंडम सैंपल का फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, एंड जहां पे म्यू और सिग्मा स्क्वायर अननोन पैरामीटर है, एक्स बार और एस जो है, तो एस यहां स्मॉल लिखा है, हालांकि एस स्क्वायर लिखोगे तो ये सैंपल वेरिएंस है, मतलब सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस, ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं म्यू इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट म्यू नॉट 0, ओके, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, साइज आपको दे रखा है 5%, साइज क्या है 5%, तो ये वैल्यू जो आपके पास है ये क्रिटिकल रीजन भी दे दिया है ना, If I only this, then value of k is, तो मुझे k decide करना alpha को use करके, तो alpha जो है probability of rejecting h not when h not is true, ठीक है, so यहाँ से देखते हैं जरा, so मुझे ये बताओ x bar minus mu s upon root n, जब mu और दोनों क्या इसका distribution आता है Tn-1, ठीक है ना, सो ये होगा Tn-1, तो यहां मुझे कुछ ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, देखो सो कुछ वैसे ही बनाते हैं, तो म्यू तो 0 है यहां पे, तो ऑलरेडी म्यू छुपा हुआ है, इसको ठीक से लिख लो, और s ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू, चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं, सो प्रोबेबिलिटी x बार माइनस 0 s अपॉन रूट n, n यहां 4 था, सैंपल साइज 4 है ना, तो ये हो गया इसका मॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कितना एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, तो मैंने एक्स्ट्रा बस यही 2 लिखा जो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2k हो जाएगा व्हेन म्यू इज 0, ऐसा क्यों लिखा, ताकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाए, ये 0 क्यों लिखा, ये म्यू है 0 इसीलिए, तो यहां से क्या हो गया अल्फा इज प्रोबेबिलिटी मॉड, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, n यहां 4 है इस क्वेश्चन में, सैंपल साइज 4 है, सो दिस more than 2k when mu is 0, ठीक है, so यहां से क्या आएगा, so यहां से आपके पास आने वाला है, चेक करो, अब ये mod है, मतलब टू साइडेड टेस्ट है ना ये, so अगर टू साइडेड टेस्ट की आप बात करोगे, so इधर अल्फा बाई 2, इधर अल्फा बाई 2, तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, T3 कॉमा क्या लिखेंगे, नोटेशन क्लियर है, क्या लिख देते हैं इसको, यहां पे क्या लिखूं,
अल्फा बाई टू। सो ये हो गया हमारे पास। सो एक्चुअली ये जो नंबर है, सो ये जो रीजन है, दिस रीजन, सो इनफैक्ट ये जो 2k आपको दिख रहा है ना, ये जो 2k क्योंकि मोड लगा हुआ है, सो 2k जो आपको दिख रहा है, दिस 2k इज दिस नंबर एक्चुअली, क्योंकि मोड इससे ज्यादा है ना, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, मोर देन दिस और लेस देन दिस, तो मोर देन दिस और लेस देन दिस, तो ये जो नंबर 2k है एक्चुअली वो ये है ना। यहां लिखते क्या लिखते हैं, माइनस T3 कॉमा अल्फा बाई टू, ऐसा लिख सकते हो इस नंबर को, तो ये माइनस 2k है, ठीक है। अच्छा इसको तुम ठीक से खोल के देखो, अगर तुम्हें ऐसे लिखाऊं मैं कि अल्फा इज इक्वल टू मोड खोलते हैं तो क्या होगा, T3 मोर देन 2k, और मतलब दो केस है तो दोनों सिमेट्रिक है, तो जैसे समझ लो तुम, और अगला क्या होगा, T3 लेस देन माइनस 2k, और T3 लेस देन माइनस 2k, सो इन दोनों की प्रॉब्लम यही चीज है। समझने की तुम्हें समझना क्या है कि ये जो नंबर है 2k, दिस इज द दिस, दोनों हालांकि सिमेट्रिक है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो सीधा सीधा समझने का ये है यहाँ पे कि ठीक है ना, दोनों सिमेट मतलब दोनों साइड इक्वल ही है। सो ये जो 2k है, दिस इज दिस नंबर T3 3 अल्फा बाई 2, टू साइडेड टेस्ट है, सो दिस इज योर 2k, दिस इज माइनस 2k, ये नंबर 2k है, ये नंबर माइनस 2k है, यहां से k कितना आ गया, 1/3 T alpha 3 alpha by 2, अल्फा कितना था 5%, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1/2 ना, ये 2k है, तो 1/2 T3 0.025, ठीक है, तो ये आ गया k आपका, सो k इज दिस वन 1/2 एंड T3 0.25, यहां से आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहां से आपको पास आ जाएगा। कौन सा आया 0.2, ये ए वाला आएगा अल्फा बाई टू, क्योंकि वो मॉड था, मॉड की वजह से, अगर मॉड नहीं होता तो फिर ये वाला आंसर आ सकता था, ठीक है, सो मॉड था इसलिए ये आया। आइए 11th पे, तो अभी पहला 10 क्वेश्चन हमने किया है और ये 1 मार्क्स के थे, ठीक है ना, जो पहले 10 क्वेश्चन हमने किए ये 1 मार्क्स के थे। अच्छा क्या बोल रहे हैं सर, 40-45 मार्क्स में कितना रैंक होगा, 40-45 मार्क्स में रैंक क्या होगा, 40-45 में क्या लग रहा है कितना रैंक होगा, 100 के आसपास हैं, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, 130 अब ये मतलब 100 टू 150 में जाएगा, 40 प्लस वाले, तो 40 से 50 वाले 100 से 150 में है ना, 50 वाले अंडर 100 हो जाएंगे, ये है 30 से 40 वाले 200 में चले जाएंगे, 1-2-1 इस तरह से होगा, ठीक है। हाँ और क्या पूछ रहे हैं लोग, और पूछ रहे हैं कि सर आप ISS के लिए पढ़ा रहे हैं, नहीं ISS के लिए अभी नहीं पढ़ा रहे, फ्यूचर में हो सकता है, अभी जैसे अभी हम 4 कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, कल ही मेरा 4 बैच मैंने शुरू किया कल शाम को, इसलिए मैं डिस्कशन नहीं करा पाया। CUET चल रहा है 2024 के लिए, जैम 2025 के लिए, गेट 2025 के लिए, और CSIR नेट 2004 के लिए, अभी जून में एग्जाम है CSIR नेट का, और इसी फर, अभी दो एग्जाम तो CUET और नेट JRF अभी है इसी साल है, और गेट जैम नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ा रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है ISS भी पढ़ाए, वो पता नहीं डेस्टिनी कहाँ ले जाएगी, अभी तो पहले जुलाई में PhD कंप्लीट कर दूं, उसके बाद डिसाइड करूंगा मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनता हूँ या क्या करता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, मैं कोई IIT NIT ज्वाइन कर सकता हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर, या मैं इसी कोचिंग इंडस्ट्री में कंटिन्यू करूँ, तो हालांकि मेरा सेकेंड प्रेफरेंस कोचिंग है, क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा था जस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो अभी देखते हैं कहाँ ले जाती है किस्मत, वो अभी डिसाइड करेंगे कुछ दिन बाद, पहले PhD सबमिट कर लीजिए जुलाई में, उसके बाद तो है ना, हालांकि लॉन्ग टर्म में एक जो प्रेस्टीज है वो IITs में, अगर मैं प्रोफेसर बनता हूँ IIT NIT में या इवन कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मानो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर बनता हूँ, तो उसका एक अलग मजा है लाइफ का, है ना, पैसे थोड़े कम है लेकिन एक रेस्पेक्ट है, या लाइफ थोड़ी बैलेंस्ड है, मतलब मजा अलग है उसका, इसके इस फील्ड के अलग मजे हैं कोचिंग में, कि पैसे तो बहुत कमा रहे हैं, है ना, एक साल में से मैंने बहुत कमा लिया, अभी जस्ट अब इस मैथ स्टैट क्लास मैंने अभी लास्ट 15 अप्रैल 2023 को शुरू किया था, इससे पहले मैं दोस्त के साथ चलाता था दूसरा कोचिंग, उससे पहले मैं
और भी कोचिंग में था, डिसेंटिव्स में था, और भी बहुत सारी कोचिंग करियर एंडेवर है। तो ऐसे करके पिछले 13-14 साल से मैं कहीं ना कहीं पढ़ा ही रहा हूँ, वो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। लेकिन अब ये नहीं पता कि ये कोचिंग मेरी करियर बनेगी, आई डोंट नो, शायद मैं ना ही कोचिंग में ना ही आऊँ, ऐसा है। सो अगर होगा तो पार्ट टाइम में जैसा अभी चल रहा है वैसे आगे भी चलता रहेगा। मैं 9 to 5 किसी कॉलेज में प्रोफेसर रहूंगा, और शाम को 6 से 12 जैसे मैं अभी पढ़ाता हूँ, 6 से 12 जैसे मेरी क्लासेस चल रही है अभी भी, कल भी थी, है ना। पहले CUET का बैच है, फिर जैम का है, गेट का है, नेट का है, कल 6 से 12 का शेड्यूल था मेरा, तो ऐसा है। तो वही चलता रहेगा, फिर देखते हैं अभी बाद में। तो ISS का अभी हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। कौन पूछ रहे हैं कमेंट में, रिचा, हाँ रिचा, अभी ISS का कुछ सोचा नहीं मैंने। सागर पूछ रहा है IIT बॉम्बे EWS सेफ स्कोर। IIT बॉम्बे EWS सेफ, IIT बॉम्बे के लिए आपको 60+ में जाना पड़ेगा सेफ के लिए, 60+, 60-70 में। चलिए आगे आते हैं। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट विद 1 to 10 डिस्कस किया हमने, अब 11th पे आते हैं। 11th कह रहा है कि फॉर एन एन आपका रूट एन साइन स्क्वायर 1/n कोसाइन है, और बी एन रूट एन साइन 1/n स्क्वायर कोसाइन है, सो कौन सी सीरीज कन्वर्ज, अच्छा कन्वर्जेंस की बात, मतलब कन्वर्जेंस की बात करनी है मुझे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कन्वर्जेंस की बात करूं कि कौन सी वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी, है ना, मुझे सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करनी है। फिर भी मैं अभी जैसे इस नेम से अभी 15 अप्रैल 2023 को शुरू किया था ना, अभी 10 महीने हुए हैं, आज 16 तारीख है ना, तो एग्जैक्टली 10 मंथ हुए हैं। 10 मंथ में बहुत प्रोग्रेस हो गया हमने, 10 मंथ में इतने टीम बना लिए, इतने हमारे पास 300 जैम के बच्चे हैं, 100 बच्चे गेट के हैं, 100+ गेट के हैं, और 100+ CUET में हैं, मतलब अभी तो अराउंड 500 बच्चे हमने पिछले 10 महीने में बना लिए। ये बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि बच्चा इतना भरोसा कर रहा है, तो मतलब ये हमारे लिए खुशी की बात है। बाकी रिजल्ट तो अच्छा ही होगा क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, तो रिजल्ट तो आना ही है। अब चूंकि फर्स्ट ईयर हमारे इस नेम के साथ है, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये है। मतलब एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन से बहुत बेटर कर रहा हूं मैं, ये है यहाँ पे, क्योंकि शुरू किया था इतना सोच के शुरू नहीं किया था, कोई आदमी फर्स्ट ईयर में इतना ग्रोथ कर जाए ऐसा, मतलब सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि एन हमारे पास है रूट एन साइन स्क्वायर 1/n कोसाइन, और बी एन है रूट एन साइन 1/n स्क्वायर कोसाइन। तो पूछा इन सीरीज के बारे में क्या कह सकते हो, समेशन एन समेशन बी एन। देखो तो पहले तो साइन कॉस देख के मुझे लग रहा है कंपैरिजन टेस्ट लगाना ठीक रहेगा। सो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, तो सिंपली एक चीज हम जानते हैं यहां से, जो cos n है वो less than equal to 1 होगी for all n, और ये जो sin 1/n है ये less than equal to 1/n होगी for all n, क्योंकि sin x less than equal to x होता है when x is positive, तो sin 1/n less than equal to 1/n होगी for all n। तो इसके हिसाब से अगर तुम अब देखो तो जो an है ना, जो an है वो less than equal to हो जाएगा रूट एन इंटू 1/n स्क्वायर इंटू 1, तो कहने का मतलब 1/n3/2 ये हो जाएगा, और जो बी एन है वो आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू रूट एन 1/n स्क्वायर इंटू 1। अच्छा ये भी वही बन गया, चेक कर लो, क्योंकि यहां बस क्या किया साइन का स्क्वायर किया है, तो यहां दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, एक में एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर हो जाएगा, बट यूज में यही दोनों कर रहा हूं। तो देखो ए एन इज लेस देन इक्वल टू दिस, बी एन इज लेस देन इक्वल टू दिस, और हम लोग क्या जानते हैं सीरीज 1/n3/2 इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, ठीक है, तो ये पी टेस्ट से कन्वर्जेंट है, सो दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, ठीक है। सो ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है पी टेस्ट से, क्योंकि पावर जो है 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट है। अब ये लार्जर वाली सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है, स्मॉल वाली कन्वर्जेंट ही होगी, तो समेशन ए एन समेशन बी एन दोनों कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है ना, देख लीजिए, तो समेशन ए एन और समेशन बी एन दोनों कन्वर्जेंट है यहां से, तो 11th में दोनों कन्वर्जेंट होगा। अरे एक मिनट, चलिए 12th देखते हैं। सो 12th वाला भी बहुत इजी सा है, इसमें ये चेक करना है कौन सा कॉन्टिन्यूअस है ना,
तो कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? चलिए तो यहां से क्या करना है, इसे बोला है कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। सिंपल है, यहां पे अगर आप लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 0 f1 x, तो ये जैसे 1 बाय x ये इंफिनिटी हो जाएगी, साइन कोई फाइनाइट वैल्यू देगा नहीं, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 x, इस x की वजह से, x की वजह से 0 है ना, 0 इनटू सम बाउंडेड क्वांटिटी, ये तो फाइनाइट क्वांटिटी है, तो 0 into some finite quantity 0 हो जाएगा, तो ये 0 है, तो चूंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये f 0 के इक्वल है, तो f2 continuous है, f1 continuous नहीं है। सो सिंपल था ये, f1 is not continuous, f2 is continuous, ठीक है। सो यहाँ पे है, सो f2 is continuous, f1 is not continuous, सो f2 is continuous at 0, f1 is not continuous at 0, ये चीज़ है आपके पास। एंड 13 पे आते हैं, सो 13 कह रहा है कि fxy आपके पास mod xy plus x है, then partial derivative of x with respect to x exists, so किस पॉइंट पे partial derivative exist करेगी, ना basic definitions based questions हैं, जिसको partial derivative का definition पता है direct apply करना है आपको, ठीक है जी। ऋचा पूछ रहे हैं सर CSIR NET एंड JRF के लिए कितने मार्क्स चाहिए qualify करने के लिए। CSIR NET में क्या होता है, टोटल पेपर तो ऐसे 450 नंबर के होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इन सब के लिए कॉमन पेपर है। सीएसआईआर अलग अलग नहीं हुआ है, जैसे मैथ स्टैट्स का गेट अलग है, जैम अलग है, वैसे नेट अलग नहीं है, तो सीएसआईआर नेट में क्या हो रहा है कि कॉमन है, तो एग्जाम में टोटल पेपर अप्रोक्स 450 नंबर के हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 200 नंबर के, ठीक। उस 200 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होते हैं, कट ऑफ मार्क्स जनरली 100 के आसपास रहता है, जनरल के लिए कभी 110 रहता है, कभी 115 रहता है, कभी 100 भी रहता है, तो 100 से 120 नंबर कट ऑफ रहता है जनरल के लिए आउट ऑफ 200 मार्क्स सीएसआईआर नेट का, ठीक है। तो उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, चार यूनिट में पेपर डिवाइड रहता है, तो पहले यूनिट में वहां पे पूछते हैं, क्योंकि पेपर कॉमन है, चाहे आप स्टैट्स बैकग्राउंड के हो, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड के हो, चाहे ऑपरेशन रिसर्च बैकग्राउंड के हो, आपके लिए कॉमन सीएसआईआर नेट पेपर है। सीएसआईआर नेट क्यों जरूरी है, आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो बिना नेट जेआरएफ आप नहीं कर सकते, वहां पे एलिजिबिलिटी है, सीएसआईआर नेट चाहिए, है ना, तो इसीलिए जरूरत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, तो वन ऑफ द वे इज जेआरएफ, वो सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करके उसी में, मतलब कॉमन एग्जाम है, लेकिन जेआरएफ और नेट का अलग अलग कटअप होता है। नेट इज लेक्चरशिप के लिए, एलएस बोलते हैं शॉर्ट में उसको, और जेआरएफ फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप, कि आपको फेलोशिप मिलेगी, पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो नेट क्वालिफाई करके, जेआरएफ कटअप पार करने के बाद, तो उस पे बेस पे आप, तो पीएचडी करने के लिए आप इंस्पायर फेलोशिप ले सकते हो, गेट फेलोशिप ले सकते हो, नेट फेलोशिप ले सकते हो, कभी इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी रहती है, जो बच्चा एमएससी आईआईटी से किया है तो किसी भी दूसरी आईआईटी में जाके वो पीएचडी कर सकता है बिना नेट, गेट और इंस्पायर के, अगर उसके सीजीपीए 8 प्लस है। तो डिफरेंट स्कीम्स हैं कॉलेजों में पीएचडी करने के लिए, कि आप फेलोशिप सबसे सेम मिलती है, पीएचडी में फेलोशिप अराउंड पहले 3 साल आपको 37,000 पर मंथ मिलता है, और अगले 2 साल आपको 42,000 पर मंथ मिलता है, 5 साल की पीरियड है पीएचडी का, ऑफिशियली 5 साल का है, गवर्नमेंट 5 साल का मान के पैसे देती है कि 5 साल का पीएचडी पीरियड है, है ना। ये अलग बात है, मैं 3 साल में कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2021 में ही ज्वाइन किया था, अगस्त 2021 में खड़गपुर, और अभी जुलाई 2024 में कंप्लीट कर लूंगा। तो सबके अलग अलग जर्नी होते हैं, तो सबके अलग अलग रिसर्च प्रॉब्लम, और उस पर डिपेंड करता है कि क्या काम कर रहे हैं, किस लेवल का काम कर रहे हैं, और क्या एरिया है उस पे है। तो जनरली कुछ लोग 3 साल में कर लेते हैं, कुछ लोग 4 साल में, कुछ लोग 5 साल में, कुछ लोग 6 साल में, कुछ लोग 7 साल में, कुछ लोग 8 साल में भी, तो ऐसा रहता है डिफरेंट। आप जानते हो किसी पीएचडी करने वालों को, तो आप देखेंगे किसी को 6 साल हो गया, किसी को 7 साल भी हो गया, है ना, तो ऐसे भी है। ओके, तो आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ऋचा फिर पूछ रही है सर मैथ्स और स्टैट्स बोथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, या स्टैट्स वाले स्टूडेंट स्टैट्स का ही कर सकते? नहीं नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप स्टैट्स बैकग्राउंड के हैं तो भी आप मैथ्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आता है तो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पेपर 450 नंबर का है, उसमें से 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, कोई किसी पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका कोई भी बैकग्राउंड है, आप कोई भी 200 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं उसमें। आप, मैं जैसे कह रहा था ना, पहला पार्ट में आता है लीनियर अलजेब्रा एनालिसिस, यूनिट 1 में सीएसआईआर नेट की बात कर रहा हूँ, जो चैट में पूछ रहे हैं यूट्यूब पे।
सो दूसरे यूनिट में आता है आई थिंक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है। तीसरे यूनिट में है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन। चौथे यूनिट में है स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो इस तरह चार पार्ट में पेपर डिवाइडेड रहता है। और पेपर जो है एक्चुअली तीन सेक्शन होते हैं पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन बी में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन सी में 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जितना मुझे अभी याद है 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सो ये आपका पैटर्न है सीएसआई नेट। हम आते पॉइंट पे आते हैं। सो हम लोग भटक रहे हैं अपने डिस्कशन से। चलिए, सो एफ एक्स वाई इज मॉड एक्स वाई प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर देन द पार्शियल ऑफ दिस। देखिए, तो आइए इसमें सॉल्व करते हैं। हालांकि ये भी आसान क्वेश्चन है, जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव का डेफिनेशन यूज करना है आपको। सो वी हैव टू जस्ट यूज डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां से सिंपली मैं निकालता हूं एफ एक्स एट 0 0, क्योंकि 0 0 और 0 1 में बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच। और आपको याद रखना, जो मैं चार कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, सीयूईटी, जैम, गेट, नेट। तो जैम एंड सीयूईटी बीएससी लेवल का एग्जाम है, गेट एंड नेट एमएससी लेवल का एग्जाम है। मतलब इसका फायदा आपको एमएससी के बाद ही मिलेगा। गेट और नेट का फायदा चाहे आप कभी भी क्वालिफाई कर दो, लेकिन फायदा आपको एमएससी के बाद ही मिलेगा, क्योंकि वो एमएससी लेवल का एग्जाम है। एमएससी के बाद ही उसको आप यूज कर पाओगे। अदरवाइज वो आप बीएससी करके अगर आप नेट क्वालिफाई भी कर लेते हो, गेट क्वालिफाई भी कर लेते हो, तो आपके लिए यूजलेस है वो। मतलब फायदा है कि जब आपने क्वालिफाई किया, रिज्यूम में लिख सकते हो आप, या आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो, बट बिफोर एमएससी यू कैन नॉट यूज। तो नेट और गेट एमएससी लेवल का एग्जाम है, आफ्टर एमएससी यू कैन यूज। सीयूईटी और जैम बीएससी लेवल का एग्जाम है, कि बीएससी के बाद इसका यूज कर पाओगे आगे एडमिशन के लिए। चलिए, सो एच टेंस टू 0। सो देखो इसमें क्या करना है, वाई को 0 रख देना है। तो ये h माइनस 0 अपॉन h, ये तो 1 आ गया जी, ठीक है। और fx एट 0 1, सो fx एट 0 1, फिर h टेंस टू 0 f ऑफ h कॉमा 1 माइनस 0 1 अपॉन h। तो यहां क्या करना है देखो, सो यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और एच वन, तो एक्स को एच और वाई को 1, ठीक है ना। तो मॉड एच माइनस, एक मिनट, मॉड एच प्लस एच, एक मिनट, क्या होगा यहाँ पे, एक्स एच है और वाई 1 है, तो मॉड एच और प्लस में एच माइनस 0 1, एक्स 0 वाई 1, कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। चेक कर लो भाई, 0 1 था ना, तो 0 प्लस एच कॉमा 1, तो एच 1 का मतलब हो गया y को 1 रख देना है मुझे, x को h, ठीक है, माइनस 0 अपॉन h। बाकी लोग चेक कर लो, तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h अपॉन h प्लस 1 हो जाएगा ये, लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। चेक करो, मॉड h अपॉन h की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जब h टेंस टू 0 है, तो जब राइट हैंड लिमिट लोगे तो प्लस एच अपॉन प्लस एच, तो 1 आ जाएगा इस पर्टिकुलर की लिमिट। और जब h टेंस टू 0 माइनस है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो माइनस h अपॉन h माइनस 1 आ जाएगी। तो एक बार इसका आंसर आएगा माइनस 1 प्लस 1 0, और एक बार आंसर आएगा 2। तो लिमिट यूनिक नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट एंड दिस एग्जिस्ट, तो नॉट एग्जिस्ट एंड दिस एग्जिस्ट, ठीक है, देख लो ये सही हो गया। सो ये एग्जिस्ट कर रहा है, 1 आया, और ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज है आपके पास। फोर्टीन पे आइए, फोर्टीन में कुछ खास नहीं है। देखो फोर्टीन क्या कह रहा है कि इसमें एक्चुअली ये आपके पास फंक्शन है fx equal to 4x square minus sin x plus cos 2x, ठीक है, 4x square minus sin x plus cos 2x for all x belongs to R। तो f has point of local maxima, point of local minima, point of
एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ, अच्छा नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एटलीस्ट टू पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देखो इसके लीडिंग टर्म 4x² है, x टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे ये तो बाउंडेड है, ये माइनस वन वन के बीच होगी, ये माइनस वन वन के बीच होगी, ठीक है ना। तो मेनली लीडिंग टर्म ये है, तो ग्राफ अगर इसका बनाओगे, अगर मैं रफली ग्राफ भी स्केच करूं तो कहीं ना कहीं ग्राफ इस तरह का बनेगा, चाहे कहीं पर भी बने लेकिन ये लीडिंग टर्म है तो ये डिसाइड करेगा ग्राफ का शेप कैसा होगा। सो लगभग ग्राफ का शेप ये, क्योंकि ये बाउंडेड क्वांटिटी है तो ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है इसमें x स्क्वायर में, तो ये जस्ट माइनस वन से वन के बीच का नंबर है दोनों, तो इसका रफली ग्राफ ये होगा, तो जो भी पॉइंट हो इट विल हैव, तो एक ही पॉइंट मिलेगा ड्यू, मतलब ये 4x² डिसाइड करेगा कि हाउ मेनी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इट विल हैव। सो इसीलिए 4x² का ग्राफ बनाओगे रफली तो एक ही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा जो भी इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगी, सो इट विल हैव एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये गलत कह रहा है, मैक्सिमा का पॉइंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर तुम x टेंड्स टू इनफिनिटी ले लो तो इनफिनिटी हो जाएगी, है ना, तो मैक्सिमा का पॉइंट हो नहीं सकता। मिनिमा का कह रहा है एक भी नहीं है, एक तो होगा यहाँ पे एग्जैक्टली वन होगा, एटलीस्ट टू पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नहीं, सो ये सही है, ठीक है। तो इसमें सिंपली x स्क्वायर लीडिंग टर्म है, डिसाइड मैथमेटिकली करना है तो भी ट्राई कर सकते हैं। सो मैथमेटिकली के लिए आपको देखना पड़ेगा f डैश x निकाल के, बस देखना f डैश x कितने पॉइंट पे जीरो होंगे, तो f डैश x निकालेंगे, फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं हम उस तरह से, तो f डैश x के बारे में सोच सकते हैं हम लोग, f डैश x कैसा होगा, तो f डैश x निकालोगे 8x माइनस इस तरह cos प्लस तरह बन जाएगा। अब 8x क्या है, तो लीनियर टर्म है, तो कहीं ना कहीं उससे एक सॉल्यूशन निकालना, पर मैथमेटिकली डिफिकल्ट होगा तो ग्राफिकली ठीक है, ठीक है जी। सो अच्छा चैट में लोग बहुत कुछ पूछे, यूट्यूब लाइव पे देख लेता हूँ क्या है। सो बोथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, यस जितेश पूछ रहे हैं मैथ्स के अलावा क्या सर सॉल्यूशन, मैथ्स के मैथ्स का करवाओ क्या सर सॉल्यूशन, हाँ मैथ्स का भी करवा रहे हैं हम लोग सारे, मैं सीरियल वाइज करा रहा हूँ, एक से लेके सारे मैं टोटल करवा रहा हूँ अभी, तो हम लोग 1 to 14 एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे करते हैं, तो इसमें जस्ट एक होगा, आते हैं 15 पे। चलिए 15 कह रहा है कि कंसीडर द इम्प्रोपर इंटीग्रल, देखो इम्प्रोपर इंटीग्रल को यू कैन कंसीडर एज अ सीरीज, जैसे होता था ना वैसे ही समझ लो, सीरीज में समेशन होता है, यहां पे इंटीग्रेशन है इस तरह से। सो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं, तो क्या बोलना चाह रहा है ये, कि कौन सी कन्वर्ज, जैसे सीरीज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है ना, वैसे ही इंप्रोपर इंटीग्रल का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है। सो तो जैसे सीक्वेंस, जैसे सीरीज के टेस्ट में आप कंपैरिजन टेस्ट लगाते हो, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, वो सब यहां भी लगाया जा सकता है इंप्रोपर इंटीग्रल में भी, ठीक है। सो तो क्या करना है, देखो यहां से अगर ध्यान से आप देखो I1 को, सो I1 जो होगा ये t sin, तो आप लोग ये तो जानते हो कि sin t will be less than equal to 1 for all t, ठीक है, तो sin t जो होगा वो less than equal to 1 होगा, सो sin t is less than equal to 1 for all t, तो यहां से क्या आ जाएगा I1 less than equal to 1 हो जाएगा 1 से लेके infinity t upon e की पावर t dt। अब आप ये इंटीग्रेशन करके देखो, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप कर सकते हो, 1 से इंफिनिटी t e की पावर माइनस t dt, बाय पार्ट से करो इसको, ये फाइनाइट आंसर आएगा, ये कोई इसको इंटीग्रेट कर दो सिंपली बाय पार्ट से, तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, इसका मतलब i1 जो है वो कन्वर्ज करेगी। ऐसे ही i2 का देखो, i2 जो है 1/√t log 1+1/t, तो अगर आप यहां पे ये देखो कि जो log है एक्चुअली log 1 plus x less than equal to x होता है for all x more than minus 1 I think, है ना, इनफैक्ट यहाँ 1 है से ज्यादा है, तो 1 से तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो एटलीस्ट यहाँ जैसे मोर देन 1 था तो उसके लिए तो बोल ही सकते हैं। सो आई थिंक ये इनइक्वालिटी यूज कर लो, log 1 plus x less than equal to x, देखिए क्या बनेगा, तो I2 less than equal to हो जाएगा 1 से इंफिनिटी 1/√t एंड log 1 plus x क्या होगा less than equal to x, तो 1/t हो जाएगी dt, और फिर से ये इंटीग्रल सॉल्व करना है आपको, so 1 से इंफिनिटी
टी की पावर नीचे 3/2 है तो -3/2 डी टी। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या बनेगा, टी की पावर -3/2 प्लस 1 मतलब टी की पावर -1/2 अपॉन -1/2 तो मतलब अपॉन में रूट टी, 1/√t टाइप का बन जाएगा ये, तो 1/√t और इसका मतलब ये हो गया 1 से इंफिनिटी है तो इंफिनिटी रखेंगे 0, 1 रखेंगे 1, फाइनाइट आ जाएगी ये भी। सो आप देखो ये भी फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। सो I1 I2 दोनों फाइनाइट है तो यहाँ मैंने कॉम्पेरिजन टेस्ट लगाया है। तो जैसे एक क्वेश्चन सीरीज वाला था अभी जहाँ पे था √n sin² 1/n cos n, तो उसमें मैंने क्या लगाया कॉम्पेरिजन टेस्ट, लेस देन इक्वल टू 1 करके साइन को, कॉस एन लेस देन इक्वल टू 1 किया था और साइन एन लेस देन इक्वल टू एन उससे ये साइन है ना, तो वो यूज किया था मैंने वहां पे। तो जैसे उसमें हमने यूज किया कि ओके साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स ये यूज किया था, तो जैसे सीक्वेंस सीरीज में आप सीरीज टेस्ट में कॉम्पेरिजन टेस्ट यूज करते हैं वैसे ही आप इम्प्रोपर इंटीग्रल में कॉम्पेरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, बाकी सारे टेस्ट यूज कर सकते हैं जो आपके सीरीज में है, क्योंकि दिस इज वन काइंड ऑफ सीरीज। बस इंटीग्रेशन इसलिए हो गया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस सेट है, डिस्क्रीट सेट पे समेशन लगता है, कॉन्टिन्यूअस सेट पे इंटीग्रेशन लगता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस सेट है, टेस्ट उससे सेम रहेगा। तो मैंने दोनों क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन जो किया था उस टाइम पहले जहां पे सीरीज टेस्ट था वहां कॉम्पेरिजन टेस्ट लगाया सीरीज का, यहां कॉम्पेरिजन टेस्ट लगाया इंप्रोपर इंटीग्रल का, है पीछे स्टोरी दोनों की सेम है। चलिए आगे आते हैं। सो लेकिन उसके पीछे का स्टोरी जानना कि कैसे हो रहा है तो इससे सीखने को मिलेगा, एसएससी जो नेक्स्ट एस्पिरेंट है अगले साल वाले तो उनको सीखने को मिलेगा क्या आ रहा है। पेपर इस बार इजी आया, जो पहले 19, 20, 21 में जो आते थे पेपर 2019-20 में वैसा पेपर है ना, 21-22-23 बहुत डिफिकल्ट था, फिर वापस आ गया उसी लेवल पे ये। चलिए तो ए कह रहा है कि 3x5 मैट्रिक्स है, ये डिफाइन कर रखा है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, तो पूछ रहा है कि ए का रैंक क्या है और सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन है। ओके तो हमें यहाँ दो चीजें डिसाइड करनी, रैंक ए का क्या है और सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है फिर से, मतलब तो ये सब आसान क्वेश्चंस थे एक्चुअली, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। तो अगर यहां पे मैं काम करूं कि अगर मैं यहां पे बनाता हूं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मान लो ये सिस्टम क्या है AX = B, ये सिस्टम है आपका, दिस सिस्टम इज AX = B, ठीक है, दिस सिस्टम इज AX = B, तो यहां से क्या आ जाएगा A augmented B अगर आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 0 1 3 1 2, ठीक, और सो 0 1 3 1 2 और यहां से आ जाएगा 1 6 2 3 4 1 8 8 5 8 और augmented है 3 1 10, ठीक है जी। सो ये आपके पास augmented मैट्रिक्स हो गया, अब आप जानते हो रैंक भी आ जाएगी, A की रैंक आ जाएगी इससे, A augmented B की रैंक आ जाएगी, फिर आपको देखना है दोनों में क्या रिलेशन है, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, वो देखना है, ठीक है। तो यहां से क्या करना है कि तो ये 1 तो पहले 1 को 0 बना देगा, तो काम करो थर्ड रो में सेकंड रो घटा दो, थर्ड रो में सेकंड रो घटा दो, तो 0 1 3 1 2 3, तो मैं सेकंड रो को एज इट इज रखता हूं, बस थर्ड रो में सेकंड रो घटाओ, सो 0 2 6 2 4 और 9। अब एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये जो है इसका जस्ट डबल यहां पे है, तो एक काम और करते हैं हम लोग, अभी क्या करते हैं कि थर्ड रो में से 2 times फर्स्ट रो घटा देते हैं, थर्ड रो -2 times फर्स्ट रो, ठीक है, सो थर्ड रो -2 times फर्स्ट रो, सो यहां से क्या आ जाएगा थर्ड रो -2 times फर्स्ट रो, सो यहां से आ गया ना, क्या करो तो ये 0 0 0 0 ऐसे हो जाएगी और 0 ऐसा आ जाएगा, जब 5 था ना
तो यहाँ पे 0000 ये आ जाएंगे। अरे यहाँ जीरो नहीं आएगा लास्ट में, यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं टू टाइम करके घटा रहे हैं ना, सो हम लोग जस्ट घटा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 01 3 1 2 3 और अभी 1 6 2 3 4 1। मैंने क्या किया, ये जो थर्ड रो है इसमें से माइनस कर रहा हूँ टू टाइम फर्स्ट रो तो 0 0 0 0 और यहाँ 9 - 6 3 बचेगा, ठीक है, तो 9 - 6 आपका 3 बचेगा यहाँ पे। सो क्या आंसर आएगा उससे आप सिंपलीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका तो देखो यहां से एक तो पता चल गया ना कि रैंक इसका जो भी, मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूं, तो ये इसको पहले इसको बाद में लिख दो चाहो तो। तो यहां से ये दिख रहा है कि जो ए था ना, सो रैंक ऑफ ए जो है वो 2 ही होगा, ये तो 0 हो गया, तो ए मैट्रिक्स ये था तो ए का रैंक 2 होगा और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक, ये भी एलिमेंट कंट्रीब्यूट करेगा इसमें। पाइवट अगर लिखोगे इसको ऊपर ले जाओ, इसको इधर ले आओ रो रिड्यूस्ड कॉलम फॉर्म में, सो इसका रैंक 3 है। अच्छा अब क्या हो रहा है, दोनों का रैंक डिफरेंट है, इसका रैंक डिफरेंट है ए ऑगमेंटेड बी से, तो क्या हो जाएगा, सो इसका आपका नो सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, नो सॉल्यूशन, डिफरेंट है हाँ, क्योंकि इक्वल होता तो यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता, तो यहाँ पे तो, और नंबर ऑफ कॉलम तो कभी इसमें यूनिक सॉल्यूशन आता ही नहीं क्योंकि रैंक कभी भी फाइव आएगा नहीं, ठीक है, तो इसमें नो सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि जस्ट रैंक इसका क्या है 2 है, रैंक तो 2 था ए का और नो सॉल्यूशन है, तो ये बी करेक्ट होगा, ठीक है, सो बी इज करेक्ट। 17 देखो, 17 तो जस्ट डेफिनेशन बेस्ड है कि एक सैंपल स्पेस दे दिया आपको 1 से 6 तक, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सेट इज एन अलजेब्रा, तो यहां अलजेब्रा का मतलब है सिग्मा अलजेब्रा, जिसको सिग्मा फील्ड भी बोलते हैं हम, तो सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा या अलजेब्रा इज द सेम थिंग, तो आपको बस ये चेक करना इनमें से कौन सा सिग्मा फील्ड बना रहा है। सिग्मा फील्ड क्या होता है, सिग्मा फील्ड इज अ डोमेन ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है तो उसका डोमेन सिग्मा फील्ड होता है और जो रेंज है वो 0 to 1 का इंटरवल होता है, तो सिग्मा फील्ड इज काइंड ऑफ सेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना। सो देखिए सिग्मा फील्ड में क्या है कि जस्ट आपको क्या करना है, सिग्मा फील्ड का कंडीशन क्या होता है, मान लो मैं ऐसा लिखता हूं एफ इज सिग्मा फील्ड, या इन्होंने यहां पे इसी को अलजेब्रा लिखा है, दिस इज अलजेब्रा इफ एंड ओनली इफ, पहली कंडीशन होती है कि एम्प्टी सेट उसमें होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है अगर कोई सेट ए उसमें है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसमें होना चाहिए, एंड तीसरी कंडीशन है कि मान लो a1 a2 डॉट डॉट डॉट, मान लो an है, ये अगर f में है सो यूनियन ऑफ an, हालांकि इसको आगे तक भी बढ़ा सकते हो तुम, तो सो यहां अभी मैं फाइनाइट चूंकि मुझे सेट दे रखा है इसलिए मैं इनफाइनाइट तक नहीं ले रहा हूं, वरना काउंटेबल सेट तक जा सकते हैं हम लोग, तो यहां मान लो ak k फ्रॉम 1 to n सबका यूनियन ले लो, मतलब सो ak k फ्रॉम 1 to n दिस शुड ऑल्सो बिलोंग टू f, ये 3 कंडीशन है कि एम्प्टी सेट होने चाहिए, तो चलो एम्प्टी सेट तो सब में है इट्स ओके, फिर एम्प्टी सेट और वो भी होना चाहिए, एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सैंपल स्पेस, तो एम्प्टी सेट और सैंपल स्पेस तो होने ही चाहिए क्योंकि ये कहना ना ए है तो कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस, सो यहां पे देखो इसमें सैंपल स्पेस गायब कर दिया तो ये तो आउट हो गया, और जैसे मान लो यहाँ पे है कोई भी देख लो, जैसे ये है सो 1 2 3 है जिसका कॉम्प्लीमेंट 4 5 6 है, सही है, यहाँ 1 2 है तो 1 2 का कॉम्प्लीमेंट होता 3 4 5 6 जो कि नहीं है तो आउट हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 6 होता, अच्छा यहाँ 1 2 है 3 4 5 6 है 4 5 है, 4 5 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 3 6 ये भी है, 1 2 4 5 है इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 4 5 क्या रह गया इसमें 3 6 3 6 है ही नहीं इसमें तो ये आउट हो गया, तो सिर्फ ये सेटिस्फाई करेगा, सो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, देखो कि एम्प्टी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट ये भी है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका यूनियन लेंगे इसमें होगा, सो बी सेटिस्फाई करेगा इन तीनों कंडीशन को,
तो ये अलजेब्रा का डेफिनेशन है या सिग्मा फील्ड समझो। तो ये 17 का बी सही था है ना। आइए 18 देखते हैं। 18th क्वेश्चन कह रहा है कि सो 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू फेयर कॉइंस S1 S2 आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली वंस, लेट द इवेंट EFG आर डिफाइंड एज फॉलोस। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। देखिए तो क्या कहना चाह रहा है कि ई है अपने दो फेयर पॉइंट को टॉस किया है, ठीक, हमने टू फेयर पॉइंट को टॉस किया है इंडिपेंडेंटली, हमने टू फेयर पॉइंट को इंडिपेंडेंटली टॉस किया। तो हेड अपीयर्ड ऑन S1, हेड अपीयर्ड ऑन S2, तो कॉइन का नाम रखा है S1 S2, S1 S2 आर टू कॉइंस एंड द सेम आउटकम अपीयर ऑन बोथ कॉइन। ये है पूछ रहा है कि कौन कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। ओके जैसे मान लो बोल रहा है कि EF इंडिपेंडेंट है, मान लो ये ऑप्शन मुझे चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है, इसके लिए मुझे ये चेक करना होगा कि E इंटरसेक्शन F इक्वल है क्या PE इनटू PF का, है ना, इस तरीके से। सो आपको ये चेक करना है, इसका मतलब ये है। सो E इंटरसेक्शन F का क्या मतलब हुआ जरा समझिए कि हेड S1 पे और हेड S2 पे, देखिए HH हो गया है ना, और E का मतलब हेड ऑन फर्स्ट पॉइंट, और यहां F का मतलब हेड ऑन सेकेंड कॉइन। तो कोई बात नहीं, यहां तो आ जाएगा ना, क्योंकि ये दो कॉइन को एक साथ टॉस के इंडिपेंडेंट है, तो ये 1/4 और ये 1/2 × 1/4। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मुझे नॉट ट्रू चुनना है, ठीक है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है तो इसलिए ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। अच्छा FZ इंडिपेंडेंट है क्या, तो मैं फिर से बी ऑप्शन के लिए चेक करूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू PF इनटू PZ, इस तरह से कि जो एफ इंटरसेक्शन जी है क्या वो PF इनटू PZ होगा। तो यहां क्या करना आपको, जस्ट आपको इसमें फिर से वही, सो एफ इंटरसेक्शन जी का क्या मतलब है कि हेड अपीयर्ड ऑन S2 और ये कह रहा है सेम आउटकम अपीयर ऑन बोथ S1 S2। तो चूंकि ये कह रहा है कि हेड S2 पे आया और S1 S2 पे सेम आया, मतलब यहां फिर से इसका मतलब HH हो गया। अच्छा F का मतलब है हेड ऑन S2, तो हेड ऑन S2। G का मतलब है सेम आउटकम ऑन दिस, तो इसका मतलब ये है HH और TT, ये मतलब है यहां पे। तो देख लो कितना आ गया, सो ये 1/4 आ गया और यहां से ये 1/2 आ जाएगा और ये भी 2/4 आ जाएगा जो कि 1/2, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है तो ऑप्शन फॉल्स है क्योंकि मुझे नॉट करेक्ट चुनना है। देखो 1/4 इक्वल आ रहा है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि अगर मैं सी वाला चेक करूं, अच्छा तो जैसे मान लो कि ई एन जी, जिस तरीके से मैंने ये चेक किया सेम मैं ईजी के साथ कर सकता हूं, ये भी ओके आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू PE इनटू PG आएगा, इट्स ओके। सो ये भी ट्रू आएगा, इसका मतलब है ENG आर इंडिपेंडेंट, तो ये करेक्ट होगा, जैसे ये आया वैसे ही आएगा। सो ENG आर करेक्ट और ENG करेक्ट इंडिपेंडेंट है, तो हमें पता है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट, देन A एंड B कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, A कॉम्प्लीमेंट एंड B आर इंडिपेंडेंट, A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, तो बचा एक डी, सिर्फ डी है। आपको ये जानना है कि क्यों ये गलत है, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब नॉट ट्रू है। कैसे नहीं है देख लीजिए, सो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर पीई इंटू पी एफ इंटू पी जी, ठीक है। सो पीई इंटू पी एफ इंटू पी जी हो जाएगा यहां से। So, क्या होगा, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, आपको तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो हेड हेड और सेम आउटकम, तो यहां HH आ गया।
E का मतलब pH, F का मतलब pH, G का मतलब दोनों पे सेम आया HH और TT, तो चेक करो कितना आएगा, ये तो 1 by 4 आ जाएगा, यहाँ 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, इक्वल है क्या ये? नहीं, तो इसीलिए एक्चुअली ये गलत ऑप्शन है, ठीक है? So, तो इसलिए क्या आपका ये गलत ऑप्शन हो गया ये। तो ये ना 1 by 8, 1 by 4 इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है, इसलिए ट्रू, क्योंकि नॉट ट्रू चुनना था, दिस इज डी ऑप्शन। तो ये एग्जाम में थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता था, तो इस तरह के क्वेश्चंस इनिशियली आप स्किप कर सकते हो, अगर नहीं टाइम लग रहा है तो बाकी कर सकते हो आप। चलिए आते हैं इस पे 19 पे, कह रहा है F1 विद अ PDF ऑफ नॉर्मल 01, F2 विद अ PDF ऑफ नॉर्मल 06, y एक रैंडम वेरिएबल जिसका ये इसे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, तो यही कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, स्पेशल केस है लीनियर कॉम्बिनेशन का, जहां पे 06 0.6 और 0.4 मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा यहाँ पे, है ना? सो F1 जो है PDF है नॉर्मल 01 का, F2 PDF है नॉर्मल 06 का, y बी द रैंडम वेरिएबल दिस स्पीड है ना, सिंपल यहां से कहने का ये मतलब है, पहले तो यहां से देखो, मैं ऐसा बोल देता हूं, x1 इज नॉर्मल 01, x2 इज नॉर्मल 06, ठीक, ओके। तो यहां से अगर ex निकालो या ey निकालो, चलो ey निकालोगे ना, तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन, ये वाला ये x के टर्म में हालांकि है, तो आप y चूंकि बोल रखा है ना, सो ये हो जाएगा x इंटू एफ एक्स डी एक्स, जो भी है माइनस में से प्लस एफ वाई डी एक्स, है ना? और एफ वाई, ये एफ वाई है, ये समझो ये एफ वाई आपको दे रखा है, y का पीडीएफ ना, y का पीडीएफ है, तो यहां से जब ब्रेक करोगे एफ वाई रख दो, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या होगा, x टाइम एफ वन हो जाएगा 0.6, तो ये बन जाएगा 0.6 e of x1, 0.4 e of x2, जब पुट करोगे आप तो अलग अलग करोगे दो पार्ट में, ये वैल्यू यहां पुट करो फिर ब्रेक करो, तो ऐसा बन जाएगा, तो 0.6 into 0 plus 0.4 into 0, तो फाइनली ये आपका 0 आ जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका, तो मतलब ये ey 0 आया, नॉट वेरिएंस। अब ey 0 से फायदा क्या हो गया, कि वेरिएंस y इज सिंपली इक्वल टू e of y square, क्योंकि mean तो 0 है, तो आगे अगर आप लिखते तो 0 square, अब e of y square अगर आप निकालेंगे तो सेम तरीके से कि integration x square time fy of x dx, यहाँ y भी कर सकते हो आपकी मर्जी है, so minus infinity से plus infinity, फिर आप ये वाला PDF यहाँ put करोगे, है ना, ये वाली चीज, तो फिर क्या बनेगी, 0.6 time, है ना, x square f1x, so e of x1 square plus 0.6 of e of x2 square, ये बनेगा, और यहां से क्या होगा, फिर यहां से आपके पास आ गया 0.6 e x1 square is just equal to variance x1, क्योंकि इसका भी mean 0 है, तो मतलब ये 1 है, और एक मिनट यहां 4 था ना, ये 4 है, तो 0.4 into यहां 6 है, ठीक है, तो देख लीजिए 0.6 into 1, 0.4 into 6, तो कितना आ गया, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 0.6 plus 6 जब 24, है ना, 2.4, so कितना आ जाएगा यहां से 3.0, राइट, देखो भाई 3, मतलब 3 आंसर आ जाना चाहिए, चेक कर लेना आप लोग, तो इस तरीके से। नेक्स्ट 19 हो गया, 20, सो 20 क्या कह रहा है, सो 20 इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट अ CDF, तो सिंपल डेफिनेशन है CDF का, क्या होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग, राइट कॉन्टिन्यूअस, प्लस इंफिनिटी वैल्यू 1 देनी चाहिए, माइनस इंफिनिटी वैल्यू 0 देनी चाहिए, है ना, तो देखिए
समझ में नहीं आया क्या ये। सो सिंपली कोई एक ही CDF होगा है ना, पहले चलो चेक कर लेते हैं वन बाई वन। तो इसको देख लो, थ्री पाई बाई फोर साइन 3π/4 कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई फोर, सेकेंड पॉइंट 1/√2, तो 0 1/√2 और यहाँ है 1, ओके। और कौन सा CDF है, तो प्लस इन्फिनिटी पे 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0, राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, तो कौन सा CDF है। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ जंप हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, जैसे बीच में ये जो मान लो बीच में पाई बाई फोर पाई बाई टू, तो जैसे नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या, जब x की वैल्यू इंक्रीज कराए तो फंक्शन वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन साइन x क्या होगा, मान लो जैसे मैंने अगर यहाँ पाई बाई टू ले लिया, बीच में पाई बाई टू होगा इसका, तो साइन 91 होता है, और साइन 3π/4 या उससे जस्ट पीछे कोई वैल्यू ले लो है ना, तो ऐसा नहीं होगा एक्चुअली, ये वैल्यू ना इसकी वो हो जाएगी, घट जाएगी है ना, कुछ डिक्रीज हो जाएगी। यस, जैसे 3π/4 का मतलब कितना हो गया 45, 3 जा 135, तो 120 पे ले लो, 90 और 120 पे, साइन 91 होता है, साइन 120 डिग्री 1 से कम होगा, तो x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम 90 से 120, लेकिन CDF की वैल्यू घट रही है, तो डिक्रीजिंग हो जाएगी वो 90 से है ना। या ग्राफ बना कर देख सकते हो साइन x का इस इंटरवल में, तो आपको दिखेगा कि ये इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो ये एक्चुअली CDF क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, इन डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, दिस इज डिक्रीजिंग ऑल्सो ओवर सम पार्ट ऑफ दिस इंटरवल, इसलिए आउट हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 साइन x है, 0 से पाई बाई 4 में अब जानते हैं साइन इंक्रीज करता है ना, 0 से पाई बाई 4 में साइन इंक्रीजिंग है, सो ये माइनस 0 प्लस इनफिनिटी 1, राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है ना। सो यहां से आ जाएगा सिंपली, तो ये CDF हो जाएगा, राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीज, राइट कॉन्टिन्यूअस हमने रखा है, राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, पॉइंट पे उसके राइट हैंड लिमिट पे सेम वैल्यू आनी चाहिए, तो राइट कॉन्टिन्यूअस और नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए, तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कुछ ज्यादा चेक करने को है नहीं, CDF का डेफिनेशन पे ये क्वेश्चन है। 21 पे आते हैं, 21 जो कह रहा है कि x कोई रैंडम वेरिएबल है, इस तरह से x और माइनस x हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, अगर x माइनस x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब है कि दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिक अबाउट जीरो, जो रैंडम वेरिएबल है वो सिमेट्रिक होगा जीरो के अबाउट, तो मतलब उसका मीन जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, तो जो भी है उसका मीन जीरो हो जाएगा आपका, और तो मीन जीरो हो जाएगा, इनफैक्ट सारे ऑड मोमेंट जीरो हो जाएंगे ना, क्योंकि ये बोल रखा है सिमेट्रिक अबाउट जीरो, सिमेट्रिक अबाउट जीरो है ये, तो जैसे एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब का भी, जी सान जोर से बोलिए, लास्ट क्वेश्चन पिछला वाला, हाँ बोलो, पाई बाय 4 है, हाँ पाई बाय 4 पे सर ये 1/√2 देगा, हाँ और 3π/4 पे, ये सर सेकंड ऑप्शन में, हाँ पाई बाय 4 पे 1/√2 कोई दिक्कत नहीं है, हमें जरूरी थोड़ी कॉन्टिन्यूअस ने सॉरी कहा कॉन्टिन्यूअस CDF होना चाहिए, तो ये मिक्स का CDF हो सकता है ना, मिक्स रैंडम वेरिएबल का, हाँ डी वाला, मतलब अगर मैं ग्राफ बना के तुम्हें दिखाऊं तो ग्राफ भी बना सकते हैं, सो x 0 0 से पाई, हाँ ऑप्शन डी, डी अच्छा देखो डी में क्या दिक्कत है, अच्छा डी में चलो चेक करते हैं क्या दिक्कत है, तो डी में प्रॉब्लम अच्छा पाई बाई 4 पे क्या हो जा रहा है वैल्यू 0 पे 0, अच्छा तो चेक करते हैं रुको, तो बी और डी में क्या डिफरेंस है, यहाँ जस्ट 2 है और यहाँ √2 है, यही डिफरेंस है ना, ओके बाकी तो सेम ही है ऑलमोस्ट, ओके ओके हाँ सब कुछ सेम है, पूछा है कौन सा CDF है, ओके चलो डी देख करते हैं, तो डी में क्या होगा, अच्छा ये कभी 1 से ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, एक मिनट ये गलत हो जाएगा, तुम सही कह रहे हो, हाँ हाँ मैं गलत सोच रहा हूं, क्योंकि अगर पाई बाई 4 रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 1 हो जाएगी, ओ सॉरी हाँ वो मेरी मिस्टेक है, तो बी इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो हमारे पास है पाई बाई 4 जो होगा वैल्यू √2 हो जाएगी, तो राइट कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए वो तो ठीक है, क्या बोलते हो उसे नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए, लेकिन डिक्रीजिंग हो गया ना,
क्योंकि अगर पाई बाई फोर का लेफ्ट हैंड लिमिट लू मैं, तो पाई बाई फोर के लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये वैल्यू हमारा रूट टू देगी ना, रूट टू देगी, और ये तो वन हो गया, तो रूट टू पहले ही आ गया, रूट टू तो वन से ज्यादा है, तो ये डिक्रीज कर गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। हाँ सही कह रहे हो आप, मतलब मेरी गलती है, यहाँ पे बी ना होके डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वो ध्यान नहीं दिया रूट टू है ना, क्योंकि दोनों में डिफरेंस टू रूट टू से है। सो यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पाई बाई फोर के लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू रूट टू हो जाएगी, तो रूट टू इज मोर देन वन, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सी डी एफ की वैल्यू वन से ज्यादा हो ही नहीं सकती कभी, है ना, तो सी डी एफ यहाँ मोर देन वन हो गया, दैट इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है पाई बाई फोर पे, चूंकि मैं डी देखा ही नहीं, मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया हालांकि, सो मेरी गलती है वहां पे। सो सिंपली सी डी एफ का जो रेंज है ना वो जीरो से वन में होनी चाहिए, सी डी एफ का रेंज क्या है, जीरो से वन का इंटरवल है एक्चुअली, सो सी डी एफ लाई बिटवीन जीरो एंड वन, है ना, सो सी डी एफ लाई करता है जीरो से वन के बीच, तो इसीलिए डी इज करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे जो होगा बीस में डी करेक्ट ऑप्शन होगा, यस। चलिए 21 पे आते हैं, 21 कह रहा है कि x रैंडम वेरिएबल है, x और माइनस x दोनों का क्या है सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, x और माइनस x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, तो मतलब मीन जीरो है, और y बराबर x स्क्वायर भी है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पीडीएफ दिया है, पूछ रहा है इसके आंसर क्या होगा। ओके देखो ऐसे ये देख के तुम्हें कुछ याद आएगा यहां से, अगर यहां तुम अगर चेक करो ना, सो अगर x नॉर्मल 0 1 लोगे और y बराबर x स्क्वायर लो और तुम y का पीडीएफ फाइंड करो तो यही आएगा, तो ये पीडीएफ ऑफ y है। अभी थोड़ा तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इसने कहा है सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, सो अगर तुम x नॉर्मल 0 1 लेते हो और y बराबर x स्क्वायर लोगे, है ना, x नॉर्मल 0 1 लोगे y बराबर x स्क्वायर दोगे, तो इसका जो पीडीएफ है आपके पास वो आ जाएगी, यही आएगी। तो कहने का ये मतलब है सिंपल यहां से कि यहां पे x कुछ और नहीं, x इज नॉर्मल 0 1, वो ये एक तरीका है, ठीक है। अच्छा नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर क्या होता है, काई स्क्वायर 1, तो देखो काई स्क्वायर वन का पीडीएफ क्या होगा, इसको गामा में ले जा सकते हो तुम लोग, सो अगर गामा में फिट करता मैं इसको तो क्या बनता है ये 1/2, 1/2, ओके, सो दिस इज काई स्क्वायर वन एक्चुअली, ये पीडीएफ जो है काई स्क्वायर वन का है, गामा 1/2, 1/2, क्योंकि वाई की पावर क्या हो जाएगी यहां से क्या होता है वाई की पावर अल्फा माइनस वन ना, वन अपॉन बाद में जो भी गामा हो ना, तो गामा अल्फा, चलो मान लो बीटा की पावर अल्फा, या कौन सा वाला लेना पीडीएफ, न्यूमरेटर वाला लेना, इस पे लिख लो, सो यहां बीटा की पावर अल्फा, एक्स की पावर अल्फा माइनस वन, या वाई की पावर अल्फा माइनस वन, ई की पावर माइनस बीटा वाई, अब कंपेयर करो, तो जब 1/2 रख दोगे तो ये बन जाएगा, तो यहां से जो ये पीडीएफ से अगर तुम कंपेयर करो इसको तो तुम्हें मिलेगा कि ये गामा 1/2, 1/2 है, जो कि काई स्क्वायर वन होता है ना, बस हो गया। सो काई स्क्वायर वन है, तो इससे ये भी पता चल गया तुम्हें कि चूंकि ये काई स्क्वायर वन है तो y इज काई स्क्वायर वन, और ये सिमेट्रिक अबाउट जीरो बोल रखा है, तो x को नॉर्मल 0 1 ही होना पड़ेगा, और x जब नॉर्मल 0 1 आ गया, काई स्क्वायर वन है, काई स्क्वायर वन का पीडीएफ है, गामा 1/2, 1/2, दैट इज काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1 का पीडीएफ है, तो x नॉर्मल 0 1 हो गया, अब x नॉर्मल 0 1 है, तो करो इसको कैलकुलेट, तो इसको ओपन कर लो एक्सपेंशन से, a + b की पावर 4 लगा के आप इसका एक्सपेंशन कर दो, तो एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा, सो जस्ट इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, क्या होगा x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1, इस तरह से बनेगा, मतलब मैंने लगा दिया बाइनोमियल थ्योरम, a प्लस b की पावर 4 बड़ा बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, तो 4c0 फिर 4c1 4c2 4c3,
बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, तो चूंकि ये बोला है कि नॉर्मल जीरो बना गया, तो इसका मीन जीरो हो जाएगा, इसका मीन जीरो हो जाएगा, तो बचा गया e of x की पावर 4 प्लस 6 e of x स्क्वायर एंड प्लस 1, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, आपको पता होगा कि e of x स्क्वायर जो बनता है वो 1 बनेगा, वेरिएंस है, e of x की पावर 4 बनता है 1 into 3, मतलब 3 आ जाएगा, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट इसका, तो यहां से आ जाएगा, तो ये आ गया 3 प्लस 6 इंटू 1, 3 प्लस 6 प्लस 1, सो 10 आ गया, ठीक है ना, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज फाइन, मतलब ये क्या किया है, ये मतलब गामा है, पहले फिट कर लो गामा हाफ हाफ का स्क्वायर 1, का स्क्वायर 1 से पता चल गया कि नॉर्मल 0 1 है, नॉर्मल 0 1 से सिंपली काम हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ सो हाँ वो 20वें क्वेश्चन है, मैंने गलती कर दिया था थोड़ा सा, उसका 20 का डी है नॉट बी, डी फॉर दिल्ली नॉट बॉम्बे है ना। सो चलिए 22 देख लेते हैं। सो 22 कह रहा है कि सपोज दैट द रैंडम वेरिएबल x है एक्सपोनेंशियल 1/5 डिस्ट्रीब्यूशन एंड y गिवन x नॉर्मल x2 है, देन वेरिएंस ऑफ x प्लस y, ये सब आसान क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सो चलिए, तो यहां बोला है कि x जो है एक्सपोनेंशियल 1/5 रेट है इसका, तो मतलब मीन जो होगा एक्चुअली 5 होगा इसका, और वेरिएंस जो होगा वो 25 होगा, ठीक है ना। सो 1/5 इज द रेट, फर्स्ट पेज पे लिखा होगा, आप देखेंगे पीडीएफ, तो 1/5 इसका रेट है एक्चुअली, सो 1/5 इसका रेट है। तो अब y गिवन x क्या कह रहा है, हमें बता रखा है कि जो y गिवन x है, y गिवन x नॉर्मल x2 है, तो पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ x, तो फॉर्मूला लिख लो, वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस x कॉमा y। अब ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, तो यहां पे वेरिएंस x तो चलो यहां से आ जाएगा 25 प्लस वेरिएंस y, अब वहां y गिवन x पता है मुझे, इससे फायदा ये हो गया कि इसको मैं लिख सकता हूं वेरिएंस y को कि e ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ठीक, एंड प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा, ये जो फार्मूला होता है, तो ये आ जाएगा x कॉमा एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, तो यहां से क्या आ जाएगा 25 प्लस वेरिएंस ऑफ y गिवन x, सो y गिवन x का वेरिएंस कितना 2 है यहां पे, सो e ऑफ 2 प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, जस्ट x है 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x e ऑफ y गिवन x, सो y गिवन x इज जस्ट x, तो कितना आ गया यहां से आ गया 25 प्लस 2 प्लस वेरिएंस x 25 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस x x, जो कि वेरिएंस x हो जाएगा, और वेरिएंस x कितना है हमारे पास 25, तो 2 इनटू 25, तो कितना आ गया 50 प्लस 50 100 102, सो 102 आ गया आंसर, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा इजीली, चलो ठीक है आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये भी आसानी है, तो यहां जस्ट आपसे पूछा है पिछले कॉन्सेप्ट पे ही हो जाएगा, जो पिछला क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट यूज किया है उस पे ही आ जाएगा ये। तो इसमें क्या होगा कि देखो ध्यान से इस पीडीएफ को देखो, तो यहां वाई जीरो से एक्स है, और अलग करोगे तो एक्स जीरो से वन मार्जिन निकालेंगे तो हो जाएगा, कहने का मतलब ये है मेरा कि एफ ऑफ एक्स वाई जो यहां लिखा है इन्होंने, this can be written as fx of x into f of y given x, so इसको 1 लिख दो और इसको 1 by x लिख दो, तो इसका ये मतलब हुआ यहां से कि x जो है uniform 0 1 है, और y given x जो है
कितना है यूनिफॉर्म 0, x है। सो ये तुम्हारा यहां से पता चल गया इस पीडीएफ को देख के, ये मैं क्लास में भी किया इस तरह क्वेश्चंस। सो ठीक, अब क्या करना है, तो आपको पूछा गया है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड ई ऑफ वाई गिवन एक्स, ये फॉर्मूला है इसका, यूज कर लेते हैं। तो यूज कर लेंगे तो क्या बनेगा, सो यहां से बनेगा मेरे पास कोवेरियंस एक्स ई ऑफ वाई गिवन एक्स। सो ई ऑफ वाई गिवन एक्स क्या होगा, मीन है ना यूनिफॉर्म जीरो एक्स है, तो यूनिफॉर्म जीरो एक्स है तो है ना, ये पीडीएफ इसका था और ये पीडीएफ इसका था, सपोर्ट यहाँ दिख ही रहा है आपको है ना, तो सपोर्ट यहाँ है वाई जीरो से एक्स में और यहाँ सपोर्ट है एक्स जीरो से वन में, ठीक है ना। तो कितना एक्स बाई टू, तो इजी है एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू जब रख दोगे तो क्या हो जाएगा वन बाई टू बाहर, एंड कोवेरियंस एक्स एंड एक्स, वेरियंस एक्स, एक्स कितना है यूनिफॉर्म जीरो वन, तो वेरियंस कितना होगा वन बाई ट्वेल्व, तो वन बाई ट्वेंटी फोर हो जाएगा, चेक कर लो। ठीक है हाँ, ये 1/24 आंसर है इसका। सो इसका 1/24 आंसर है। चलो इस पे आते हैं, तो ये 24 जो है, ये जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं पूछा इन्होंने ना, थ्योरेटिकल नहीं है, सब कैलकुलेशन बेस्ड, ज्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, जितने क्वेश्चन सब कैलकुलेशन बेस्ड है। पिछले साल कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं दिए थे इस वाले पेपर में, यहाँ पे थ्योरेटिकल कम है, सब क्वेश्चन जो है मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखो आपके पास एक रैंडम सैंपल है साइज 20 का, जो कि बाइवेरिएट नॉर्मल से लिया गया है, बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, है ना, नॉर्मल म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ओके। अब x बार y बार दे दिया, तो सिंपल है ना, देखो ईच xi का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 0 1, ईच yi का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 0 1, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 3/4 है, ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन xi yi जो है ये है हमारे पास, चाहे xi yi से कोई भी ले लो, तो यह xi yi है ना, ठीक है, सो xi yi ये हमारे पास है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोवेरियंस नहीं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा गया हमसे, वेरियंस पूछा है। तो चलो यहां से x बार का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नॉर्मल 0, 1/n, यहां से y बार का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नॉर्मल 0, 1/n, ठीक, तो नॉर्मल 0, 1/n, नॉर्मल 0, 1/n। अब पूछा है आपसे वेरियंस ऑफ x बार माइनस y बार, ये पूछा ना वेरियंस ऑफ x बार माइनस y बार, तो क्या आ जाएगा वेरियंस ऑफ x बार प्लस वेरियंस ऑफ y बार माइनस 2 टाइम कोवेरियंस ऑफ x बार कॉमा y बार, यही है। सो यहां से ये पता चल गया कि ये 1/n है, ये 1/n है, माइनस 2 टाइम, और कोवेरियंस x बार y बार निकालना है, सो इसका मतलब हो गया 1/n समेशन xi और 1/n समेशन yi, ठीक। सो अच्छा कोरिलेशन कोएफिशिएंट 3/4 था, चूंकि वेरिएंस 1 है तो कोवेरियंस भी इसके बीच का, कोवेरियंस बिटवीन xi yi, क्योंकि कोवेरियंस क्या था रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 ना, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 में रो के इक्वल आएगा, तो वो भी 3/4 ही हो जाएगा क्योंकि वेरिएंस 1 है इसीलिए। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 2/n माइनस 2, और ये 1/n बाहर करो तो 1/n यहां से 1/n यहां से, सो n स्क्वायर बाहर हो जाएगा, कोवेरियंस बिटवीन समेशन xi कॉमा समेशन yi, ठीक है। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 2/n माइनस 2/n स्क्वायर। अब देखो होगा क्या, यहां x1 से xn तक का समय है, y1 से yn तक का समय, तो x1 का कोवेरियंस सॉरी x1 y1 का कोवेरियंस होगा, फिर x1 y2 इंडिपेंडेंट है ना, इसने कहा है ना ये सैंपल इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ क्या बोला था, रैंडम सैंपल है ना ये, सो रैंडम सैंपल है मतलब इस तरह से, सो रैंडम सैंपल मतलब IID, xi yi x1 y1 इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन बाकी x1 y1 x2 y2 इंडिपेंडेंट है, ये चीज है, मतलब ये वाली चीज इससे इंडिपेंडेंट है,
लेकिन इनसाइड जो ब्रैकेट में x1 y वाला है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां से फायदा क्या होगा कि x1 का x1 के साथ, फिर x2 का x2 के साथ, x3 का x3 के साथ, तो यहां n टाइम पेयर बनेगा, कोवेरियंस बिटवीन जैसे x1 y1 प्लस x2 y2 का कोवेरियंस प्लस x3 y3 n टाइम सेम ही रहेगा और वो है 3/4। तो ये बन जाएगी, चेक करो कितना आया। सो 2/n माइनस 6/ आ जाएगा 4n, 4n चेक करो इसको, 4n बनाऊंगा तो ये 4 और ये 8 हो जाएगा। सो 8 माइनस 6 2/4n, सो 1/2n होना चाहिए, चेक करो। सो 1/2n इसका आंसर आएगा। अच्छा n कितना था हमारा, n हमारा 20 है, तो n को 20, तो मैंने अभी आंसर निकाला n के टर्म में। सो यहां मैंने n के टर्म में निकाला ना, n मेरा 20 है तो 1/40 हो जाएगा, n 20 है ना मेरा। सो हमारे यहाँ n 20 है, सैंपल साइज 20 का है तो 40 हो जाएगा। ओके अब यहां से क्या करते हैं, आगे जो हमारे पास होगा ये तो सिंपल है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है ना। सो ये सिंपली एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है जिसको सॉल्व करना है। अच्छा ये चैट में पूछ रहे हैं, कौन है ये, शुभम, 30 में नहीं होगा शायद, लोगों का 80 प्लस आ रहे हैं। यस आई थिंक इस बार ऐसा हो सकता है, 30 में कम चांसेस है नहीं। लास्ट में आंसर शीट सेंड कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा शुभम वो रिप्लाई कर रहे हैं कि भाई 30 में कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है 80 प्लस वाले लोग भी हैं। जी जी चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ इसमें, तो क्या होगा। अरे डेटा जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, एक मिनट, डेटा मिस हो गया। सो एक मिनट ये फोन आ रहा है इनका। हेलो जी 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 गेट की फीस 10,000 है, आप भी पे कर सकते हैं जी। हाँ हाँ सेम नंबर है जी जी पे जी जी, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, आपको पेमेंट आ गया, मैं अभी क्लास में हूँ तो मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई करता हूँ आपको, ठीक है ना। जी जी ठीक, मैं लिंक भेजूंगा आपको ग्रुप का ऐड करने के लिए, ठीक। ओके अभी चलो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, बाद में बच्चों से बात करते हैं। तो आगे क्या करें, तो देखो अब इसको सिंपली लगाओ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो क्या करोगे, एक्स आई जो है बाइनोमियल n कॉमा 1/4 है, तो e ऑफ xn जो आएगा आपका कितना n/4,
और वेरिएंस ऑफ xn जो आएगा n इनटू 3n बाय 16 हो जाएगा ना, npq. सो npq q 3 बाय 4 है ना, npq. यहां से लगाओ सेंटर लिमिट थ्योरम डायरेक्टली. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और यहां प्रोबेबिलिटी, सो इसको ब्रेक करोगे तो xn माइनस 1 बाय 4 अपॉन रूट अंडर 3n बाय 16. इसको चेक करना भाई, तो इसको क्या होगा तो यहां अगर ब्रेक करोगे आप, सॉरी n बाय 4 ना, n बाय 4. सो ये आपका आएगा xn माइनस n बाय 4 एन अपॉन में रूट 3n बाय 16. तो इससे आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 1 बाय 2. ठीक है, सो ये बचेगा पहला टर्म में. दूसरे टर्म में क्या होगा, ऐसे ही दूसरे टर्म में आपको बस अप्लाई करना है इसको कि xn माइनस n बाई 4. चलो पहले इसको देख लो. सो ये कितना बनेगा, xn माइनस n बाई 4 करोगे तो n बाई 6 माइनस n बाई 4, 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 4 कितना बनेगा. सो अगर 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 4 करो तो क्या आएगा, यह घटाया ना, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 बाई 24 n, चेक करो. सो ये आ जाएगा और यहां से n बाई 3 माइनस n बाई 4 तो मेरा होगा n बाई 12 बनेगा, है ना. तो यहां माइनस n बाई 12 टू प्लस n बाई 12 हो रहा है, चेक करना तुम लोग. ठीक है, सो माइनस n बाई 12 से प्लस n बाई 12 हो रहा है. ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है मुझे. तो यहां से तो सिंपली पहला टर्म तो चलो तुम्हारा लिमिट लगा लोगे, तो ये मुझे लग रहा है ऐसा हो जाएगा zn, तो ये phi 1 by 2 आ जाएगा, है ना, प्लस तो ये phi at 1 by 2 आ जाएगा. और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सो यहां अभी डिवाइड करना बाकी है रूट अंडर 3n by 16 से, क्योंकि वेरिएंस यही है npq. सो यहां भी आएगा रूट अंडर 3n by 16, है ना. मतलब यहां से मैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहा था xn का, तो रूट अंडर 3n by 4, यही ना. ओके, इसको सिंपलीफाई कीजिए क्या बनेगा तो क्या बनेगा यहां से प्रोबेबिलिटी, यहां लिमिट लगाना बाकी है लिमिट, और ये चेक करना कैलकुलेशन यहां पे मैंने सही लिखा ना, n by 4 सही है मैंने. तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से आएगा प्रोबेबिलिटी, ये तो चलो zn बन जाएगी. अब बताओ लिमिट लगा दिया मैंने, चलो तो यहां n माइनस में है, यहां रूट है, तो ऊपर जाएगा 4 रूट n, तो यहां पावर ज्यादा है ना, यहां रूट n है, यहां रूट n माइनस में बचेगा, यहां रूट n प्लस में बचेगा. तो इसका क्या मतलब है, z तो मुझे लग रहा है ऐसा आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, चेक करो तुम लोग. सो phi half देख लो क्या दे रखा है क्वेश्चन में. सो phi of half plus 1 ये आंसर हो जाना चाहिए, और phi of half दे रखा है 0.6915, तो 0.6915 plus 1.6915. एक बार चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं. ठीक है ना, तो मेरा आंसर आ रहा है 1.6915. तो इसका जो आएगा, तो इसका ए ऑप्शन ही आ रहा है, चेक करो. ठीक है, चलो आगे. लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज द सेफ स्कोर फॉर ओबीसी. अभी देखो मार्क्स बहुत ऊपर जाएगा, तो अभी बच्चों के मार्क्स पता चल रहे हैं, धीरे धीरे अभी और क्लियरिटी आएगी, है ना, जब पता चल रहा है बच्चों का तो उसके हिसाब से. चलो अभी क्या करते हैं नेक्स्ट. तो 26 क्या कह रहा है यहाँ पे सिंपली कि, चलो 26 पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. पहले 30 तक मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं. और सो चलिए, तो यहां से क्या करेंगे,
कि हमारे पास जो एक्स आई है वो नॉर्मल 3-4 है और वाई आई जो है नॉर्मल -3-6 है। तो कहने का मतलब ये हो गया, तो एक्स बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 3 मीन तो वही रहेगी, वेरिएंस हो जाएगा 4/n, तो यहाँ n है 10, तो 4/10। y बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल मीन तो वही रहेगा 6 अपॉन इसका सैंपल साइज है 15, सो 15 है ना। x बार होता है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई n, वो यूज कर रहा हूं मैं, तो उससे आ जाएगा। एंड रुचि लिख रही है कि क्या आपका कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए था, बहुत रिग्रेट हो रहा है। क्यों? देखो मेहनत आपकी है, हम लोग बस हेल्प कर रहे हैं बच्चों का। अब जैसे कई सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं जो कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करे तब भी उनका सिलेक्शन होगा, कोचिंग ज्वाइन करेंगे तब भी उनका सिलेक्शन होगा, तो वो तो अलग बात है, हमें फ्री में क्रेडिट मिलता है। जो अच्छे बच्चे उनका वैसे भी सिलेक्शन होना है, थोड़ा बहुत हम लोग हेल्प करते हैं तो वैसा है। और जरूरी थोड़ी है सब लोग टॉप करेंगे, मेरे पास अगर 500 बच्चे हैं तो मैं 500 बच्चों को टॉप तो नहीं करा सकता ना, क्योंकि ये है, या कोई भी कोचिंग नहीं करवा सकता वो, तो क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से बहुत मेहनत करता है ना, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि पहले उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, वो कितना स्ट्रांग रहा है, क्योंकि जो पहले से स्ट्रांग है फिर वो मेहनत शुरू किया तो वो और आगे जाएगा। जो बच्चा अभी तैयारी शुरू किया लास्ट 2 महीने पहले, 1 महीने या मान लो 6 महीने पहले भी, तो क्योंकि कॉम्पिटिशन मार्केट है, यहाँ रैंकिंग हो रही है, तो जितने मार्केट बच्चे हैं उसके हिसाब से, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें कि कौन बच्चा कैसा परफॉर्म करेगा। ये नहीं हम कह सकते मैंने पढ़ाया इसलिए इतना अच्छा रैंक आया, क्योंकि वो बच्चे में पोटेंशियल था, हमने थोड़ा बहुत उनका हेल्प किया, बस ये है। तो अभी देखते हैं हमारा क्या बनता है अभी। अच्छा कह रहा फर्स्ट अटेम्प्ट में 40 आ रहा विदाउट कोचिंग, इट्स फाइन। देखो हाँ मतलब इम्प्रूव तो होता ही है, कोचिंग ज्वाइन करने से थोड़ा सा इम्प्रूव तो होता है, आप बहुत सारे असाइनमेंट प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, टेस्ट देते हैं, टीचर से डाउट पूछते हैं, तो बहुत फायदा तो होता है, कोचिंग का फायदा होता है। फीस हमने इसलिए भी सस्ता रखा हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसका बेनिफिट ले सके, ये चीजें हैं। ठीक है तो अभी देखिए आगे, तो इसके काम करता हूं मैं, क्या कर रहा था मैं इसका, कि जो एक्स बार यहाँ पे है हमारे पास, सो एक्स बार की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हो जाएगा नॉर्मल 3,2/5 और ये जो है नॉर्मल मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो ये आ जाएगा नॉर्मल, ऐड कर लेंगे तो मीन हो जाएगी 0 और वेरिएंस, अब सैंपल दोनों इंडिपेंडेंट है, बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट, तो क्या होगा वेरिएंस ऐड कर लो 2/5 2/5 4/5 हो जाएगा, चेक कर लो सिंपली, क्योंकि बोथ सैंपल इंडिपेंडेंट है, तो एक्स बार एंड वाई बार आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि क्वेश्चन बता रखा है कि सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, तो इससे आ जाएगा। अब यहां से क्या करना है, अब सिंपली इसको आप ब्रेक कर दो, तो नॉर्मल 0 और बनाना है, तो एक्स बार प्लस वाई बार इसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 2/√5, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका, तो ये हो जाएगा नॉर्मल 0/1, तो यहां से क्या हो जाएगा, सो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि √5 टाइम एक्स बार प्लस वाई बार अपॉन 2 इज नॉर्मल 0/1, ये हो गया। अब यहां एक्चुअली पूछ रहा है दिस अपॉन s, ओके तो अब मैं अपॉन s की बात करता हूं जरा, तो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ √5 एक्स बार प्लस वाई बार अपॉन एस, तो इसको मैं ठीक से लिखता हूं, सो √5 एक्स बार प्लस वाई बार, ठीक है ना, √5 एक्स बार प्लस वाई बार और यहां से अपॉन 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां एस अपॉन 2, अब ये एस को मैं रूट में लिखता तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है जी, देखिए एस स्क्वायर अपॉन 4, सो ऊपर तो चलो अभी हमारे पास आ गया, यहां जो है ऊपर नॉर्मल 0/1 है, अब डिनोमिनेटर की बात करनी है, सो क्या होता है n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, काई स्क्वायर के लिए
तो यहां सैंपल साइज 10 था, तो n माइनस 1 s स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कितना है? सिग्मा स्क्वायर यहां सैंपल का 4 ही है, तो ये हो गया 9 s स्क्वायर बाय 4 अपॉन 9 का रूट। चेक कीजिए आप लोग, तो यहां से क्या बन गया, एक्चुअली यहां से बना ये देखो n माइनस 1 s स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर 4 है xi सैंपल के लिए, क्योंकि s जो है वो xi सैंपल के लिए है, तो xi सैंपल के लिए सिग्मा स्क्वायर 4 है। तो कहने का मतलब ये हो गया नॉर्मल 01 अपॉन काई स्क्वायर 9 अपॉन 9, सो दैट इज द t9। तो ये क्या हो जाएगा, t9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा जैम मैथमेटिक्स की कट ऑफ बता दो। जैम मैथमेटिक्स का एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है, जैम मैथमेटिक्स अभी पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि टाइम की कमी है। जैम मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं लेकिन टाइम नहीं है, तो अभी जैम मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, उसको देखना पड़ेगा अभी। ओके ओके थैंक यू रुसी, कह रही पढ़ लेता तो बहुत अच्छा होता। ओके थैंक यू इफ यू थिंक सो। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या हो गया, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया यहाँ पे T9, ठीक है ना, सी ऑप्शन होगा। किसी को कंफ्यूजन तो पूछना, क्योंकि भी गूगल मीट पे भी जो लोग हैं, तो इसका T9 हो गया। आ जाओ 27 पे। 27 सिंपल है, इसमें क्या करना है, ओ लाइट चली गई, अरे यार